नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष पटेल है, आपका होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पहले तो मैं सभी व्यूवर्स का और सभी अपने जो MBC मेंबर्स हैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ MBC में। तो आज जो दोस्तों अपने साथ जुड़ने वाले, जिनका नाम है शफीक शेख, हम उनको प्यार से टिंकू बुलाते हैं, जो सिरसाट पैकर ही नहीं, अच्छे अच्छे कुरार विलेज और मालाड़ के अच्छे अच्छे टीमों में खेल चुके हैं। तो उनको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे थोड़ी देर में, तो लाइव आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके सफ़र का। पहले तो शफीक, मैं तेरे को MBC में वेलकम करता हूँ सबके तरफ से, थैंक यू और सो मच। तेरी अच्छी हेल्थ के लिए तेरे को दुआएं करता हूँ। और अभी जो ये अपना जो इंटरव्यू है, इसको इंटरव्यू नहीं गपशप, जैसे तू, मैं तेरे को सफीक नहीं बोल के बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी इजी होगा वो बात करने में, समझने। हाँ, जो सब लोग ने तेरे को प्यार से दिया हुआ नाम है टिंकू, वो बोलूंगा, तो बात करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी लोगों को। तो अभी जैसे टिंकू, तू देख रहा है कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन चले, तो ये लॉकडाउन में तू तेरा टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है? मैं घर पे बैठा रहता हूँ फिलहाल, बहुत दिन से घर पे बैठा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ जितना हो सके उतना। खासकर मेरी बच्ची को मैंने बहुत टाइम दिया, जितना शायद मैंने पहले 2 साल में दिया रहेगा उतना टाइम मैंने अभी ये 2 महीने में दिया रहेगा, 2 से 3 महीने में। और अच्छा, अभी तुम लोग की वर्किंग चालू हुई है फिलहाल, ऑलमोस्ट 7 सेकेंड डे था, तो थोड़ा अलग लग रहा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा लेना पड़ता है, और तो क्वेश्चन अच्छा लेना ज़रूरी भी है एक्चुअली, बिकॉज अपना जो प्रोफेशन है उसका प्रोफेशन लेंगे तो बहुत सिचुएशन ख़राब हो सकती है मेरी भी और घर वालों की भी, सही तो बात है, प्रश्न बहुत सही ज्यादा बात, ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। तो जैसे मैं टिंकू तुझको और व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, बीच में तुम लोग तूने बहुत अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन में, जो जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान पहुंचा के, ये बहुत बड़ा एक सबर का काम होता है, जिसमें तूने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फेसबुक के द्वारा ये देखा था और व्हाट्सएप के द्वारा तूने किया है। सुनाई दे रहा हेलो है मैं मनीष। हेलो, हेलो, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज नेटवर्क आ रही है इशू तेरे है, को मेरी? मैं ये बोल रहा हेलो हूँ। टिंकू, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज इट्स ऑडिबल, सुनाई दे रहा है, हाँ बोल, मेरी आवाज आ रही है। आ रहा है बोल। मैं ये बोल रहा था जो अभी जो सिचुएशन था बीच में कुछ टाइम पहले, तो जिसके पास है वो कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अकेले को नहीं बोल रहा, जिसके पास अभी है जो कर सकता है वो उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। अगर इंसान के नाते अपने को सबको सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके उतना, तो मैंने जितना उतना किया, बट मैंने कुछ पर्सनली भी किया था जो मैं शेयर नहीं करता हूँ, कि वो जो था जो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था और इंस्टा पे भी, वो इसलिए कहते क्योंकि वो हम लोग का एक कमेटी था, मतलब हमारे जो फार्मा ग्रुप है मेडिकल रेप का, वो उसके थ्रू था, तो उसके लिए हम लोग को दिखाना पड़ता है कि इतना किया उतना किया, पोस्ट किया था, बाकी मैंने पर्सनली बहुत कुछ किया। बोलते ना कि शेयर के दिखाने वाला अच्छा, काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, चलेगा, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो और ऐसे ही लोगों की दुआएं पाते रहो। मेरी यही दुआ है, अच्छे काम करते रहो, अच्छी दुआएं मिलते रहे, बहुत आगे जाओ अपने फ्यूचर में। तो टिंकू, अभी आते हैं तेरे टेनिस क्रिकेट करियर में, तो तूने टेनिस क्रिकेट खेलना कब से शुरुआत की? टेनिस क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई तेरे? एक्चुअली हम लोग जब मलारिश में जब मैं रहता था ईस्ट में, तो हम लोग के यहाँ पे ग्राउंड था हाँ चर्च बोलते, और जो हमारे ताड़ी कंपन के लड़के लोग थे उनको बोलते वो खड्डे में खेलने का ग्राउंड था, उसका नाम था हाँ चजारा जी, बन गया सबको पता रहेगा। मेरा करियर वहाँ स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हम लोग डेली दूसरे को खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे 80-40 के लड़के लोग, फिर धीरे धीरे खेलते खेलते तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे टूर्नामेंट भी चालू खेलना चालू हुआ, सबसे पहले शायद मैंने खेला था अंडर अंडर जो होता है अंडर 18 का, तो वो टाइम पे ना बहुत और कम चलता था, अंडर 16 का चलता था, तो मैंने पहला टूर्नामेंट खेला था अच्छा अंडर 16 का, और जहाँ पे मुझे अच्छे से याद है मैं फर्स्ट टाइम जब खेलने गया था ना तब हार गए थे, वहाँ पे मेरा पहला टूर्नामेंट था, अच्छा
अच्छा मेरे चारी वाले थोड़े जिद्दी थे, मतलब तो बोले फिर से री एंट्री लेके खेलेंगे, तो हम लोगों ने फिर से री एंट्री लेता। और वो टाइम पे 55 रुपये एंट्री था, अच्छा 5वें बॉल का लेते 50 रुपीज एंट्री था, तो हम लोगों ने री एंट्री लिया था वहां पे, और हम लोग फिर वापस से वहां पे जीते थे, फर्स्ट प्राइज मारे थे। ये मेरा फर्स्ट मैच अच्छा था क्रिकेट टेनिस में। तो अच्छा तो पहली टीम का नाम क्या था जिसमें तूने क्रिकेट खेलना चालू किया था? जो गजलों का टीम उसका था उसका नाम क्या था? नाम था श्री गणेश, जो गजलों का टीम था, हम लोग हाँ स्टार्ट किए थे, श्री गणेश टीम का नाम था। तो अच्छा उसमें तो मैंने बहुत टूर्नामेंट खेला और बहुत से जिताया भी, हराया भी, ऐसा नहीं कि नहीं, जितना मेरा उसमें पार्टिसिपेशन था उस पर जिताने के लिए था, क्योंकि वो टाइम पे मैं भी खुद नया नया था, तो स्पीड ज्यादा रहता है, नए जोश में मैं अपना 100%, मोर देन 100% देता था टीम। तो उससे धीरे धीरे अपना एफर्ट डालते हुए मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत से टीम से ऑफर भी आया था, लेकिन मेरी सही बात तो मेरी इच्छा नहीं थी कहीं और खेलने की। बट जो हम लोग की वो गजा जो थी, गजा की टीम, पांडे गजेंद्र बोलते, गजा नाम उसका, हम लोग प्यार से बोलते हैं। तो सब धीरे धीरे उम्र होती गई, तो सबने शादी कर लिया, तो किसी का आना जाना कम हो गया, कोई क्रिकेट नहीं खेल पाता था, तो हम लोग का टीम धीरे धीरे वो बंद हो गया, जिसमें मेरा बड़ा भाई भी खेलता था, हेमंत करके। फिर अच्छा मुझे तांबे ने अप्रोच किया था, जब हम लोग का टीम एकदम कम नहीं खेलता था ऑलमोस्ट, तो मुझे गजा ने बोला तो अच्छा तांबे लोग में है खेलने वाले अच्छे अच्छे फील्डर है, तो विनोद लोग में खेलना अपना शेरशाह पर का। तो फिर मैंने शेरशाह ज्वाइन किया था। अच्छा तो सिरसाट पेकर में क्रिकेट खेलना कब से चालू किया? सिरसाट पेकर में आना कैसे हुआ? क्योंकि एरिया तो एक ही था, पर सिरसाट पेकर में आना कैसे हुआ? सिरसाट पेकर में ज्वाइंट होने का किस्सा क्या है? मसला ये था कि हम लोग जो हम लोग की टीम थी गजल की, हम लोग ऊपर ताड़ी कुप्पा में खेलने के लिए जाते थे, कभी कभी वो लोग भी नीचे खेलने के लिए आते थे, तो ऐसे हम लोग की दोस्ती हो गई। और एक आध बार मैं तांबे लोग में खेला भी था, जब जैसे कभी गजल हम लोग की टीम की एंट्री नहीं होती थी, तो मैं तांबे लोग में एक दो बार खेला भी हूँ। और एज ए वो टाइम पे मतलब मैं बॉलर था, बैटिंग में करता था एक्चुअली, मुझे शौक तो बैटिंग है, पर मैं बॉलर बन गया बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट। फिर अच्छा एक दो दो मैंने उसमें खेला, मैंने अच्छे अच्छा परफॉर्म भी अच्छा दिया था, लेकिन जब फिक्स खेलने की बात आई तो मुझे गजे ने बोला कि नहीं उसमें नहीं खेलना, तो विनोद में खेलना, तेरे उम्र के लड़के लोग। और मैं सही बोलते मैं गजे को थैंक्स बोलूंगा, मेरे को उसने विनोद में खेलने रिकमेंड किया था, क्योंकि मेरे जितने शिक्षक तक जितने मेरे टीम मेट्स है सब सब एक नंबर है, मतलब कोई भी जिसके मन में खलालो कुछ भी हो, सब दिल के साफ बंदे मिले मेरे को, बहुत अच्छा मिले। सबसे स्पेशली मैं नाम लूंगा मेरे विनोद का। और अगर को तुम पूछना चाहो कि सबसे अच्छी अच्छा कैप्टनशिप किसकी लगती है, तो विनोद विनोद इज वन ऑफ द फॉर मी, और एवर टाइम रहेगा वो। तो विनोद सिरसाट में खेलने का पहला बाहर का सफर कैसा था? बाहर जब टूर्नामेंट खेलना चालू हुआ तो मुझे याद है वो सिरसाट पेकर नाम मिला था विनोद को, एज अ पूरी टीम ने डेली एक हाँ डेलीगेट किया था वो विनोद के नाम पे कि हाँ चलो हाँ कुछ तो विनोद इतने साल से क्रिकेट खेला तो विनोद के नाम पे एक टीम प्री ओपन कर रहे, तो वो विनोद को डेलीगेशन किया था। तो पहली टूर्नामेंट याद है जहाँ पे सिरसाट पेकर में खेला था बाहर एज अ प्रोफेशन टेनिस बॉल क्रिकेट में अंडर एम अंडर बॉक्स में? 18 मुझे याद है कि हम लोग अंडर 18 जब स्टार्ट किए थे विनोद में खेलने का, तो शायद हम लोग अंडर 18 हाँ में शायद कभी हारे नहीं थे, मेरी याद में सब जगह अपन जीते थे, ओके मेरी याद में कहीं भी हम लोग अंडर अच्छा 18 में नहीं हारे। बट बाहर का मुझे जो याद है ना, हम लोग एक बार खेलने गए थे पवई, सॉरी यहाँ पे बोरीवली में, शायद याद रहेगा, हम लोग अभी बहुत अच्छी टीम को हराए भी थे, और सेमीफाइनल का मैच सेकेंड डे था, वहां मैंने बहुत हरा, मतलब वहां पे पूरा ग्रेड मेरे को जाता, जहाँ पे मैंने हरा दिया था जो बाहर में खेलने गए थे, ठीक है। तो पीच थोड़ी सूख गई थी, तो बॉल टर्न ही और जैसा सेम टप्पा में डाल रहा था, और बॉल स्किप होके वाइड ही जा रही थी, तो जजमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो उस वजह से मतलब मेरे कम से कम मैंने मेरे 12 बॉल में 14-15 रन दिए थे, अच्छा जिसमें से 10-12 10 तो एक्स्ट्रा ही थे, तो एक्स्ट्रा में हम लोग हार गए थे, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था वो जो हम लोग हार गए थे। फिर लास्ट में घर पे अच्छा आके मेरा मूड था कि मेरे को खेलने की इच्छा नहीं होती, मैं आप मन में तो क्रिकेट ही खिलाए थे, कि हम एक जगह ऑलमोस्ट 2 राउंड जीते थे एकदम डोंगर पे, तो चले गया मैं खेलने के लिए। फिर वहां पे मैंने ऑफिस अपना
वापिस से माइंड सेट करके खेलने के लिए गया, और वहां पे हम लोग अच्छा खेले भी और फाइनल मारे भी, जहाँ मुझे बेस्ट बैटिंग का ट्रॉफी मिला था मेरे को पता अच्छे से, अच्छा 32 टीम का टूर्नामेंट था वो, और फाइनल में शायद जलसा ही थी, 16 रन पे विन था वो मैच, मुझे हमेशा याद हाँ रहेगा। हाँ वो टाइम पे हम लोग इतना ज्यादा तो कुछ वो नाम नहीं मैच था का बाहर। किस्सा क्या था? वो मैच का किस्सा ये था कि हम लोग ने अच्छी अच्छी टीम को हराए थे, स्टार्टिंग किसी हम लोग बड़ी थी, जिसमें जो छगन है जो जलसा में खेलता है, वो टाइम उसकी टीम का नाम था संतोष, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वो सिर्फ पहला मैच हम लोग को टफ हुआ था खेलने के लिए, तो उन लोग में अच्छे बॉलर थे, अच्छे साइड था, तो वो मैच हम लोग जीत गए थे। फिर बाद में एज यूजल मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब टीम अच्छी थी, बट हम लोग वन साइड जीतते गए जीतते गए। सबसे मेन मैच हम लोग को फाइनल में पड़ा था जलसा के सामने, कुछ 16-2 विन हम लोग 16 जलसा को चेस करने दिया था, और हम लोग ने जलसा को नहीं मारने दिया था। लास्ट में याद है मुझे 6 बॉल 4 का मैच मैंने रखा था, मैं जो पहले नंदेव बॉलर था उसके लिए रखा था, और वो मैच नैंदे ने निकाल लिया था। लास्ट मैच चल रहा था और अठहरिया बैटिंग पे था, अठहरिया ने सामने चेस्ट में वो राइस किया, नाम से चेस्ट का बॉल पंच किया और एकदम हल्का टॉप पे देकर सीधा कैच आउट हो गया था वो, और हम लोग वहां पे विन हो गए थे। और पूरा एंटायर मतलब जितना वो एरिया था सब लोग बहुत खुश हुए थे वो टाइम पे, क्योंकि वो पहले रेस था, सब लोग ऐसा था कि जब हारेगी तो सबको खुशी होती थी, वो टाइम पे क्रेज जलसा का था कि सब लोग जलसा हमेशा नंबर वन देती थी, तो जलसा को हारने वाले मतलब अपने एकदम खास हो गए, ऐसा उन लोग का था। तो वो टाइम पे हम लोग भी बहुत खुशी होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छा खेलते खेलते नहीं, ये तो अपने सब हम उमारी अपने जैसे ही है, तो हम लोग बहुत अच्छी सबसे अच्छी दोस्ती हो हाँ गई, और ज्यादा हम लोग का झगड़ा वगैरह भी कभी हुआ नहीं, फिलहाल अच्छे सब रहने लगे। फिर अच्छा तो ऐसा कोई 67 पेकर का एक तेरे को मेमोरी याद होएगा जिसमें बहुत क्रूशल मैच था, जिसमें बोलते ना हार मतलब दोनों तरफ ये था, मतलब हार भी सकते और जीत भी सकते, और वो बॉलिंग पे 67 पेकर के इसमें निकाला था। क्योंकि मुझे याद है 2000 ये लगभग 12-13 की बात है, 12-13 या 14-15 की बात है। वो टाइम पे बॉलिंग अटैक खाली बोलेगा तो 67 पेकर के पास बहुत अच्छा था। तीन ये दो लेफ्टी आर्म, दो लेफ्ट आर्म और एक राइट आर्म, पपलिया और टिंकू और लाला, ये अपना बॉलिंग लाला अटैक था। तो ऐसी कोई एक टूर्नामेंट याद है जिधर ये बॉलिंग पे से मैच निकाला था? याद है मेरे को, एक्चुअली हम लोग लोखंड वाला में खेलने गए और सेमीफाइनल मैच था फ्रेंड्स के साथ मैच था, और हम लोग ने कुछ 12 बॉल में 6 रन मारे थे और 7 रन टू विन दिया था, और एकदम सही होने आया था। तो मेरे को पहली ओवर दिया था मैंने कुछ एक नहीं नहीं मैंने 1 भी रन नहीं दिया था शायद, नहीं नहीं सॉरी 1 रन दिया था मैंने, फिर 6 बॉल 6 का मैच लाला के लिए रखा था, लाला ने भी 1 ही रन दिया था, और हम लोग मैच वो 5 रन से जीत गए थे, सेमीफाइनल मैच था। फिर लास्ट में तो अंधेरा हो गया था, तो फाइनल में तो एज यूजुअली सा काउंटर हो जाता है अंधेरा होने के बाद, पहले तो सब फोकस अगर लगता नहीं था कि टूर्नामेंट बाकी है तो फोकस लगा दो, बरोबर तो फिर करीबन लोग लाला तो ने भी किया पहले का एक राइवलरी मैच, ऐसे अभी जैसे बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये होता था। तो मुझे याद है 2014-15 और 16 और ये हाँ मुझे याद है, या 12-13 की बात है, जलसा बारह वर्सेस तेरह की बात 67 करिए पेकर का तो बहुत राइवल, जलसा वर्सेस 67 पेकर का बहुत राइवलरी होता था। हेलो सही टीम थी एक्चुअली वो टाइम हेलो हम लोग के लिए। हाँ हेलो, तेरे आ रहा है, को आवाज आ रहा है क्या हेलो मेरा? आ रहा हाँ है बोल। आवाज, हाँ, वो टाइम पे कैसे तो मैं जलसा बोल रहा था कि का वो नाम एक राइवलरी था जलसा वर्सेस। हाँ सिरसाट, बोल जलसा बोल। वर्सेस सिरसाट का वो क्रेज था एक्चुअली, वो टाइम पे हाँ जोश मार, हम लोग अपना 100% से भी ज्यादा लगा के खेलते थे सामने, और जब हम लोग का और जलसा का होता तो पूरे टूर्नामेंट में एकदम सन्नाटा छा जाता था सारा भी, मतलब जैसे कि तो मैच में यहाँ बातचीत सब लोग का ध्यान प्रॉपर हम लोग के मैच में रहता था एकदम सन्नाटा, खुद हम लोग खेलते थे ठंडी के मौसम में भी हम लोग को पसीने आ जाते थे कि हाथ एकदम चिकट हो रहा, पसीना आ रहा, इतना हम लोग अंदर से गर्म इतना रहते थे, और वो टाइम में मैच खेलने का मजा ही तो चल रहा था फुल जोश के साथ, और ऐसे ही हम लोग ने भी जलसा को हराया है।
जैसे हम लोग को बहुत बार आता है, बट एक याद है मेरे को, बहुत अच्छा मैच हुआ था जो हम लोग ने वन साइड मारे थे, शायद हम लोग ने जलसा को 7 रन पे ऑल आउट कर दिया था सम्राट में, हाँ जहाँ पे बरोबर, मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। तो 3 ओवर 2 बॉल में मैच खत्म हुआ, 17-7 रन आया था हम लोग को, वही बहुत अच्छा मैच हुआ वन साइड। बाकी जो भी हम लोग का मैच हुआ टफ ही हुआ है अच्छा। छप्पर। तो जैसे हाँ, तो ये था सिरसा के, सिरसा टीम के साथ तेरा सफर था। तो आर्यंस में भी तू खेला है, तो आर्यंस में तेरा सफर कैसे हुआ और तू आर्यंस में कैसे खेलने लगा? मैं आर्यन ने कभी फिक्स नहीं खेला मेरी याद में, हाँ मतलब जब हम लोग सरकार की एंट्री नहीं होती थी तो मैं आर्यन में खेलता था पहले से, कि अच्छा। अपना एक ही टीम था जिसे वो सीनियर थे अपन जूनियर थे, तो हाँ पहले डिसाइड रहता था तांबे का कि अगर तू कहीं नहीं खेलेगा सरकार की एंट्री नहीं लेगा तो तू मेरे में खेलना। तो मोस्ट ऑफ मैंने बहुत टूर्नामेंट खेला ऐसा हुआ इधर आर्यन में, और जिताया भी, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं बहुत मैच जिताया भी है, अच्छा हाँ परफॉर्म किया मैंने आर्यंस में। और आर्यंस में मैंने एज ए बैटिंग भी किया थोड़ा बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ ऑल मुझे सही बताऊं मुझे बैटिंग का बहुत शौक था, लेकिन किस्मत ने मुझे बॉलर बना दिया बाय डिफॉल्ट। तो तू है राइट हैंडेड बैट्समैन और बॉलिंग रहता है लेफ्ट हैंड से, ठीक है? तो ये लेफ्ट राइट हैंड का बॉलिंग का एक्शन तूने कैसे इन्वेंट किया? बैटिंग करता है तू राइट हैंड से और बॉलिंग डालता है तू लेफ्ट हैंड से, तो ये कैसे तूने इन्वेंट किया? कैसे प्रैक्टिस करता था या नेचुरल था? ये नेचुरल था एक्चुअली, जेनुअनली बता अच्छा तो एकदम नेचुरल था, मतलब मैं जब स्टार्ट किया था खेलना जब बहुत छोटा था, मैं करीब 7-8 साल का था, हाँ तब ऐसे मैं बॉल डालता था मेरे हाथ से लेफ्ट हैंड से बॉल छूटता था, तो मैं लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना चालू किया, और बैटिंग में करता तो राइट हैंड से राइट ही करता था। तो वैसा करते प्रैक्टिस करते करते वैसे हैबिट हो गया, और किसने बोला भी नहीं कि तू लेफ्ट ही को कर रहा था बॉलिंग के लिए राइट ही कर ले, तो बन गया धीरे धीरे जहाँ बनना था। अच्छा। तो जैसे अभी बहुत से टीम में जोड़ी होती है बैट्समैन लोग की, स्टीव हाँ वॉ, मार्क वॉ, बाद हाँ में सनत जयसूर्या, कालू वितरणा, ऐसी जोड़ी होती है। तो सिरसाट बेकर में तेरी बेस्ट बॉलिंग पार्टनर कौन था तेरे साथ तेरा? ऑब्वियसली लाला लाला वाज अच्छा वन ऑफ द लाला, बेस्ट बॉलिंग बरोबर पार्टनर, और मेरे शीर्षक में बरोबर। बैटिंग में भी दो बहुत फेवरेट बैट्समैन थे जोड़ी में, अपले और लाला लाला बापू बरोबर की बरोबर बहुत पसंद बरोबर बरोबर। तो थी। ऐसा तेरे को कौन सा ही किस्सा याद है कि जिधर तू नहीं चला है और लाला ने मैच निकाला है सिरसाट पेकर में? अपा पाड़ा में कितने बार अच्छा हुआ है, हाँ मतलब मैंने कुछ 7-8 रन दिया था, कुछ 18 का मैच था बराबर, 18 रन विन था हम लोग को, और मैंने कुछ पहले में 8 रन दे दिया था, फिर लाला आया, अच्छा लाला कुछ 1 रन का ओवर मार 9 हो गया, फिर 12-9 का मैच आया, तो वो टाइम पे हम लोगों ने शायद तीसरी ओवर बच्ची को दिए थे, बच्ची ने भी कुछ 3 रन का ओवर दिया था, 14-12 लास्ट में ना 6 बॉल 4 का मैच, 6 बॉल 5 का मैच आया था, फिर अच्छा लाला ने 2 ही रन देके खत्म कर दिया था। इवन लाला ने बैटिंग में बहुत मैच जीता है हम लोग को, मुझे आज भी याद है, एक बार सेमीफाइनल मैच था और एक बॉल 3 चाहिए था डोंगर पे अप्पा पाड़ा में, गैना के यहाँ पे, वहां हाँ पे लाला मालूम है। दो सूरी स्ट्रेट गोली मार के हम लोग को मैच जिताया था 1 बॉल 3 का मैच में। जैसे तूने बताया तेरा पार्टनर लाला था और तूने अच्छा अच्छा बाहर भी जाके खेलना सीखा, जैसे तू सिरसाट में खेलता था, आर्यंस में खेलता था और तूने जलसा में भी खेला है, भले वो तेरा ओपोनेंट टीम था एक टाइम पे, पर तूने जलसा में खेला है। तो अच्छा जलसा मैंने में बहुत, खेलने, हाँ जलसा में खेलने का तेरा सफर कैसा था? तू स्टार्ट जलसा में खेलना तेरे को कैसा लगता था? जलसा जैसी टीम जो कुरार विलेज में एक ही ऐसी टीम है मुझे लगता है जो बाहर जाके भी खेलती है, हाँ तो सही सही, कैसा तेरे को, कैसे मतलब अप्रोच हुआ जलसा टीम से और तू कौन सी टूर्नामेंट जलसा में से खेला? जलसे में मैंने बहुत बार खेला हूँ, और फर्स्ट टूर्नामेंट शायद मेरे को याद है एकदम नाइट मैच था वो, और वहां पे ना मतलब ये बात है शायद मैं गणेश भाई पता तानाजी नगर का वहां का मैच हाँ था, मालूम है। तो वहां पे ना मैंने सिर्फ 2 मैच खेला था, पहला मैच हम लोग जीते और सेकंड मैच भी मतलब वन साइड ही हो रहा था वो, तो 6 बॉल 7 रन का मैच था, तो लास्ट ओवर मेरे को दिए थे, तो वो भी मैं कुछ दो ए 5 बॉल में 1 रन दिया था, फिर लास्ट के लास्ट ओवर बॉल में मेरे को एक दो दो एक्स्ट्रा कंटिन्यू आ गया, तब मुझे जैसे अच्छा लगा ये क्या हो रहा है, तो सब मुझे देखने लगे थे क्या ये क्या डाल रहा है, हरा देखे, वो मेरा पहला मैच था,
सबको लगे थे भटक गया, ऐसा लगेगा, लेकिन एक बोल लगे मैंने खत्म कर दिया और जीत गया। फिर सेकंड मैच भी, तो जो सेमीफाइनल मैच था, हाँ थर्ड में सेमीफाइनल था, 16 टीम का टूर्नामेंट था वो मैं नहीं खेल पाया था पहला टूर्नामेंट, तो मेरे को सुहास ने वो टाइम मेरे को पगार ला के दिया था, अच्छा दोस्त मुझे पकड़ दिया था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे संडे या मंडे था। हाँ और मेरे को एक चीज बोलने का था, मेरे लाइफ का जो पहला टूर्नामेंट था जिसमें मुझे बाहर की टीम, मतलब अभी अपने शेषा मतलब खुद खेलते तो पगार लेते नहीं थे, लेकिन बाहर जब मैं खेलता था ना, तो एक अपनी टीम थी, इसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, मुझे दूसरी पहली पगार मिली थी, 100 रुपये पगार मिली थी अच्छा मेरे को। अच्छा और आपा बड़ा कटिंग था। वहां पे ना फिर ऐसा हो गया था, मुझे हर संडे बुलाते थे, और वहां पे इतनी कोई खास टीम नहीं थी, तो हर कम से कम 3 से 4 बैक टू बैक हर संडे हम लोगों ना 100 रुपये की झोल होती थी वहां पे। और वो टाइम का 100 रुपये मतलब बहुत मैटर करता था, और स्पेशली आज भी क्रिकेट से मेरे को अगर 200 रुपये मिलता है ना, 500 मिलता है, 1000 मिलता है ना, तो क्रिकेट का 500 1000 बहुत बहुत खुशी देता है। यहाँ आप 500 1000 रुपये ऐसे उड़ा देते पता नहीं चलता है, लेकिन क्रिकेट का पैसा इतना मैटर करता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। क्योंकि वो ग्राउंड पे मेहनत किया हुआ पैसा रहता है, एक जो मिलता है वो ग्राउंड में जीतने के बाद का एक मजा वो अलग रहता है, और बहुत वो जो बहुत पैसा मिलना खुशी। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, पगार मिलना मतलब बड़ी बात, और जलसा जैसे टीम में खेलना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जलसा में खेलते खेलते तेरे को सुहास कल्याण लेके गया था एक टूर्नामेंट याद है, जिधर असलफा के सामने तेरे को इनके असलफा के सामने तुझको बॉलिंग डालने का था, तो वो वो कैसा तो था हम तेरे? से मतलब हम लोग अच्छा, तो हम लोग 2 रन कंटिन्यू जीत चुके थे, तीसरे मैच भी हम लोग के हाथ में ही था। असल फर्स्ट टीम मतलब वहाँ पे चेस वो 55 60 भी चेस के सर्कल का टूर्नामेंट था, 60 भी चेस कर रही थी, और मुझे लगा था हम लोगों ने कुछ 44 मारा था उन लोगों को, और हम लोग को श्योर था कि वो है मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत फॉर्म में था मैं, तो मुझे लगा हम जीत हाँ जाएंगे आराम से। तो पहले ओवर ना उदय ने बोला कि टिंकू को देने के लिए, हाँ तो वहां से बोला नहीं अपना, जैसे कोई भी हो मेरी टीम में भी अगर विनोद रहता ना, तो पहला ओवर अपने बॉलर को ही देते, बरोबर ये कॉमन है, कोई बुरा मानने बात नहीं है। तो सुहास ने अटेरिया को ओवर दिया था, और अटेरिया को शायद 20 22 रन कुछ पड़ गए थे पहले ओवर में, 5 चौके आए थे, नहीं नहीं 18 सॉरी 18 रन आया था उसको, वहीं पे अच्छा थोड़ा मैच गड़बड़ हो गया था, और पप्पू ने अच्छा रिवर्स स्वीप स्वीप मार के चौका मारा था। फिर सेकंड ओवर मैंने कुछ 6 रन का ओवर डाला, फिर बाद में जल भूषण भूषण ने ओवर डाला था वहां पे 3rd ओवर, तो उसमें कुछ 12 13 रन आ गए थे। लास्ट में मुझे 6 बॉल 4 का मैच आया था, 6 बॉल 4 पे मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं बॉलर फॉर्म में होता ना, तो उसके लिए 6 बॉल 2 भी होता था, 6 बॉल 2 मैं निकाल लूंगा, तो मुझे 6 बॉल 4 लगा मैं निकाल लूंगा। तो पहले बॉल डाला तो और बंदा स्वीप मार रहा था, और एज लग के दीने के बीच में से बॉल चला गया, वो एक अच्छा फालतू रन चला गया, वहां पे थोड़ा सा ऑफ शूट, लेफ्टी एक बैट्समैन था उसको मैंने फुल टॉप बॉल पेस डाला, और स्वीप किया डायरेक्ट फील्ड, अपना कौन है वो जो खेलता है टैप मारता है, जो बहुत अपने जलसा में खेलता है, भाविन, डायरेक्ट बॉल भाविन के हाथ में भाविन गया, भाविन ने वहां पे मिस फील्डिंग किया, तो वहां पे और होप टूट गया। फिर फाइनली मैं 4 बॉल 2 का मैच आया, और तो बैट्समैन ने ऑफ में ड्राइव किया, फिर से एज लगा और लेग में चौका चला गया, वहां पे मैच खत्म हो अच्छा गया। वो मैच मुझे लगा तो था, और टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, हाँ लाइव था, और प्राइस भी काफी अच्छा था, 55 हजार 50 हजार कुछ प्राइस था वहां पे। पर वो टूर्नामेंट में तेरा नाम हो गया था, तूने 25 जैसे बैट्समैन को बोल्ड मारा था, तो वो फीलिंग कैसा था? वो बॉल जो था जो तूने डाला था 25 को, बच्ची को तूने आउट किया था, तो वो फीलिंग कैसा था वो टाइम पे जब तूने उसको बोल्ड किया? बच्ची को जब मैं बोल्ड किया तो मुझे इतना कुछ खास फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो इतना बड़ा बैट्समैन है करके। मैंने पहला बॉल अच्छा उसको ऑफ ब्रेक मारा, उसको हाँ वाइड जाएगा, उसने लीव किया, बॉल डॉट हो गया। फिर दूसरा बॉल डायरेक्ट स्टेप आउट करके मारने के लिए, तो मैंने यॉर्क मारा, पेस डाल गया, वो बोल्ड हो गया, सब लोग बहुत खुश अच्छा हुए, सब लोग मतलब हाँ ओ, लेकिन मुझे इतना हाँ कुछ लगा नहीं ना, क्या बैट्समैन आउट हो गया, तो मुझे इतना बहुत बड़ा बैट्समैन है, ऐसा है, इतना अच्छा खेलता है वो, तो बाद में मुझे लगा नहीं नहीं यार वो भी अच्छे बॉलर है करके। अच्छा तो ये तेरा था सफर जलसा के साथ, फ्रेंड्स के साथ तेरा कैसा सफर था? जैसे मेरा मुझे बताया अपना जैसे बात हुआ, तो तुझे तूने बताया राकेश ने तुझे सैले पगार लाके दिया था, तो हाँ वो कैसे वो याद क्या है तेरी वो वो टूर्नामेंट, कौन याद सी टूर्नामेंट के फ्रेंड्स कि सम्राट के के साथ? टूर्नामेंट था, फ्रेंड्स का मैच हम लोग सम्राट में खेल रहे थे हम लोग, और हम लोग का टीम का हाँ एंट्री नहीं किया था,
मैं और हाँ इबू, अपना इबू, हाँ हम लोग दोनों खेले थे उसमें। तो वो टाइम पे मतलब ना, अच्छा राकेश शर्मा का मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था कभी ऐसा। तो मुझे पगार ला के दिया उसने, तो मैं मना किया, मैं बना रहे पगार वगैरह जो पहले से, मतलब मैं पगार वगैरह थोड़ा सा दूर ही रहता था। जब कोई जब फर्स्ट टाइम देने आता ना, तो जिससे अपना, जैसे तांबे, एक दो बार तांबे ने मेरे को स्टार्ट किया था पगार देने का, तो मैं एक दो बार मना किया, फिर तांबे ने मेरे को बोला नहीं रे ऐसा वो हक बनता है लेने का, तो फिर मैं लेना चालू किया। कि पहले अपन पैसे के नहीं खेलते, सबको पता था, पहले खेल खेल होता था। वो तो अलग ही मजा रहता था, उसमें पैसा मैटर नहीं करता था। अभी किसी को मालूम नहीं कि सुसाइड पे करने क्या क्या किया है, कैसे सुसाइड पे करने कितनी ट्रॉफी हाँ आप एग्जाम्पल जीती, पर ले एक लीजिए छोटा तो ना। स्पैन, एक छोटा स्पैन था सुसाइड पेकर का, दो दो साल का, उसमें बहुत अच्छा ये किया था। तो ऐसी कोई हाँ तेरे को टूर्नामेंट याद है क्या, जिसमें कोई भी एक टूर्नामेंट तेरे लिए बहुत सक्सेसफुल हुई थी एज अ बॉलर, और तेरे को बेस्ट बॉलर का उधर ट्रॉफी मिली थी, मलाड में ऐसे किधर तो भी, बहुत, बाहर किधर भी? नहीं ऐसे तो बहुत जगह मिला मेरे को, बेस्ट बॉलिंग का ट्रॉफी मिला है। इधर मालवे में भी मेरे को बहुत, 2 से 3 बार मिल चुका है अभी ये 2 साल में, जब से यहाँ पे खेलना हाँ चले गए। 2 से कम से कम 4-5 बार मिला मेरे को मालवे में बेस्ट बॉलिंग का भी। अब मलाड में तो बहुत बार, बहुत जगह मिला, नाम काउंट करो तुमको याद नहीं रहेगा, पर एक याद है मेरे को, हम लोग एनएनपी में खेलने के लिए गए थे। बस फोटो आज भी, अच्छा वो टाइम पे मैं टकला था, वो टाइम मैंने अच्छा टकला करा था, और मैं जींस टी शर्ट, मतलब शर्ट, फॉर्मल शर्ट और जींस पहन के खेल रहा था मैं वहां पे। मतलब मेरा जो भी बॉल गिर रहा था ना, कोई बैट्समैन नहीं खेल पा रहा था। मतलब वो टाइम पे ऐसा लगता कि मतलब इसका बॉल मतलब कोई खेल ही नहीं पाएगा, इतना मतलब फॉर्म में था मैं। तो वो मुझे याद है कुछ 12 बॉल में, सर्कल था वो, और 12 बॉल में हमने सिर्फ 28 मारे थे। हाँ 12 बॉल, 24 बॉल में 28 मारे थे, और लास्ट में ना 12 बॉल 16 का मैच, सॉरी 12 बॉल 12 का मैच आ गया था। किसी को तो हमने एक बॉलर बाहर से लिए थे, तो उसको कुछ 14-15 रन आ गए, तो लास्ट में ना 12 बॉल 12 का मैच आया था। तो वहां पे मैंने 2 रन का ओवर डाला था एनएनपी में, फिर लास्ट में 6 बॉल 10 का मैच आया था। तो शायद पपले था या बच्ची था, उसने लास्ट में मैच निकाला था मैं। हाँ शायद पपले ही था, सॉरी, अच्छा हाँ पपले ही था। तो हाँ हम लोग जीते थे। मुझे पहली ओवर ही मेरी अच्छी गिरी थी, कुछ 4 या 5 रन गया था, लास्ट ओवर में अच्छा निकाला था उसने, वो जो याद है। और एक और मुझे याद है, जब मुझे ऐसा लगा मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई थी, तानाजी अच्छा नगर का अपना गणेश मैदान था अच्छा वहां, तो ना वो टाइम पे ना बेस्ट बॉलिंग मिलना, बेस्ट बैटिंग मिलना, बहुत स्टेज पे जाके बहुत ट्रॉफी बड़ी लेना, बात बहुत होती थी। बहुत ज्यादा टूर्नामेंट है। पूरे टूर्नामेंट में एकदम अच्छा परफॉर्म किया था, बॉलिंग एकदम प्रॉपर। और इवन सेमीफाइनल में भी कुछ 12 बॉल 11 का मैच था, और मैंने 1 रन का ओवर डाला था वहां पे, लास्ट में 6 बॉल 10 अच्छा का मैच रखा था। उसके बाद भी ना जो बेस्ट बॉलिंग का था ना, वो सामने अपने जने दादा थे, उनको दिए थे बेस्ट बॉलिंग का ट्रॉफी। अच्छा तो अलग बात है, उनके लिए वो, उन्होंने बहुत बार लिया, लेकिन वो टाइम मुझे लगा ये इतना कैसे, पूरे टूर्नामेंट अच्छा डाला, सेमीफाइनल में अच्छा डाला, तो भी मेरे को बॉलिंग का ट्रॉफी नहीं दी, क्या हिसाब से। तो बाद में लिया था सीनियर करके, उनको मिला ऐसा ऐसा। अरे वो टाइम पे ट्रॉफी लेके जाना घर पे एक अलग बात होता था, बहुत खुशी था वो टाइम। यंग यंग एकदम यंग ब्लड थे, जैसे आज IFF है, तो वो टाइम पे आईएफएफ ट्रॉफी के लिए एकदम, मतलब जो अपना ताड़ी वाला कंपाउंड था, पैसे के लिए नहीं खेलता था, ट्रॉफी के लिए बहुत क्रेज था वो टाइम पे, कि एक बैट्समैन को ट्रॉफी मिलना, फिर एक बॉलर को बेस्ट ट्रॉफी मिलना, वो घर पे लेके जाना, घर वालों को दिखाना, तो घर वाले हाँ बोलते थे क्या कि यार कुछ कुछ तो तो लेके आया किया, बच्चा। घर से बाहर निकला तो कुछ तो लेके आया, ऐसा। तो तू ये मालाड़ का रहा, तो तू जॉय में भी खेला है, जो बोरेवली अपना जोगेश्वरी का अच्छा टीम है, जॉय टीम, जैसे जॉय में नितिन तो नितिन नितिन का टीम, नितिन का टीम, जैसे तांबे तेरे को हाँ तांबे लेके जाता, तो उन लोग के साथ तेरा कैसा बॉन्डिंग था, उन लोग में नहीं, खेलना वहां कैसे चालू हुआ मेरा तेरा? इसे नितिन एक बार यहाँ पे आया था खेलने के लिए मलाड में, हाँ तो उसने मेरा बॉडी देखा रहेगा और नाम इतना बस सुना रहेगा, तो मुझे उसने फोन किया। टिंकू नितिन बोल रहा हूँ जोगेश्वरी से, मैंने पहचाना, मैंने देखा मैं खेलने गया था पिछले संडे को, अपन संडे में तुम लोग थे, हम लोग हार गए थे, मिला मुझे ध्यान नहीं आया ऐसे। फिर जब मैं व्हाट्सएप डीपी चेक किया तब गया था, अच्छा ये है क्या, तो उसने मुझे फोन किया था कि चला जाए खेलने के लिए। तो फिर उसके साथ मैंने बहुत मतलब बड़ा बड़ा टूर्नामेंट बहुत खेला, लाख वाला, 50 वाला, इवन वाईकट्टा भी खेला उसके साथ में, उसने मुझे लेके था वाईकट्टा खेलने के लिए।
अच्छा, तो बताओ भाई कब तक। वायकट्टा का एक्सपीरियंस कैसा था? अभी जैसे अपन बोलते हैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो वायकट्टा खेलना सभी प्लेयर का, बॉक्स क्रिकेट में जो भी प्लेयर है भले वो ओल्ड हो या नया यंग प्लेयर हो हो, वो यंग हो, उसको वायकट्टा खेलना एक बार मनी मन में इच्छा है। मेरी भी एक इच्छा है कि सिरसाट पेकर एक बार, पूरा सिरसाट पेकर एक बार वायकट्टा खेले। तो वायकट्टा खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? वायकट्टा खेलने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहां पे। मतलब कोई भी टीम ऐसा नहीं है कि चलो कोई लोकल टीम से बोलते हैं ना अपन लोकल टीम, तो भी वहाँ पे लोकल टीम में सब प्रोफेशनल, मतलब सबका गेम अच्छा ही रहेगा, वो तभी उसको एंट्री मिली है वहाँ पे। तो एक भी मैच मतलब वहाँ पे जीतना, अपने से बहुत सी टीम है जिनको फर्स्ट मैच जीतना बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। तो हम लोग भी वहाँ पे शायद थर्ड राउंड में हार गए थे, वो भी बाई मिस्टेक या हार्ड लक, थोड़ी बुराई वैसा बोल के बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने भी कुछ ज्यादा रन नहीं मारे थे। 28 रन को चेज था, सॉरी 32 ही चेज था, 30 बॉल उन लोगों को 32 ही मारने का, ज्यादा रन ऊपर से सेमी सर्कल रहता है वहाँ पे, तो 30 बॉल 32 बॉल कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक अच्छा बैट्समैन था जॉय का ही, उसका नाम लोगों दाऊद, को याद, दाऊ नहीं, दाऊ नहीं, राजू, अल्पेश, अल्पा था शायद, राजू नहीं, अल्पेश, हाँ अल्पेश, अल्पेश, अल्पेश। हाँ पता नहीं उसका इतना अच्छा बैटिंग है, आज भी उसका बैटिंग अच्छा नो डाउट, लेकिन उसका किसी का दिन खराब होता है, तो उसने कम से कम ना 17-18 बॉल खेले रहेंगे, तो उसके ना उसमें से 12 बॉल उसके बैट में कनेक्ट टच ही नहीं हुए, तो लास्ट में फाइनली अच्छा वो स्टंप करके चढ़ के मारा, उसमें बॉल कनेक्ट नहीं और स्टंपिंग हो गया। तो मतलब उसके जो 10-12 बॉल डॉट आया ना वो बहुत भारी पड़ा हम लोग को, लास्ट में हम लोग फिर कवर नहीं कर पाए, नहीं तो 30 बॉल 32 बार ना कोई बड़ी बात नहीं सेमी सर्कल में, तो वहां पर हम हार गए तो थे। तुझे तुझे कोई ऐसा किस्सा याद है जिधर जॉय मलाड में खेलने आई थी और मेरे को किसने बताया, मुझे ये बात राजू ने या दाऊ ने बताया कि हम लोग ने जो टीम बनाई थी जॉय, और हम लोग ने मलाड में आके खेलना बंद किया वो सिरसट पेकर के वजह से। हाँ, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि आगे जाके ना जाके इन लोग सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में मिलेंगे। तो उनके साथ की राइवलरी कैसे थी? राइवलरी नहीं बोल सकते थे, कॉम्पिटिशन आता था उनके साथ हाँ खेलने को हमेशा मजा। कॉम्पिटिशन, हाँ, तो मुझे वो याद कोई है एक, एक मैच कि ना एक बार शायद सेमीफाइनल ही था, नहीं क्वार्टर फाइनल था, जहाँ पे ना हम लोग को 26 भी नहीं था, और सम्राट का एक राउंड था शायद, या है हाँ, ना 28 28 मिनट था 28, और सम्राट का राउंड था। हाँ हाँ वहां पे रन बनना मतलब बहुत मुश्किल, सम्राट का जैसा ग्राउंड में एकदम शॉर्ट विकेट रहता है, छोटा ग्राउंड था तो रन नहीं बनता, बॉल कनेक्ट नहीं होता वहां पे। 28 हम लोग को चेस करना था, वहां पे पपले और लाला ने नो लॉस मार दिए थे, लो लॉस में, नो लॉस 28, और एक बॉल डॉट नहीं आया था हम लोग, और इवन एक भी 2D नहीं आई थी, 4 एक्स्ट्रा मिले थे हम लोग, और 24 का 24 बॉल सिंगल, वैसे हम लोग मैच जीत गए थे। वो मैच में मुझे याद है केनिया ने 12 रन एक्स्ट्रा में डाला था। नहीं वो मैच नहीं, प्रज्ञा वो जो 12 रन का था शायद वो उधर का अपना प्रज्ञा का रहेगा, अपना का नहीं एक था, बॉल डॉट नहीं आया था, वो दूसरा मैच रहेगा फिर नो अपन, लॉस मारा था। हाँ, नो हाँ लॉस मारा था, 28 रन का मैच था अपना, इधर ही था। और केनिया ने पपलिया को डर के नहीं, मतलब वो बोला कुछ बॉल उसके ग्रिप नहीं बैठ रहा था, इसके लिए उसने 6 या 4 वाइड डाल दिया था, और पपलिया और लाला ने नो नो लॉस मारा था नो वो लॉस मैच। मारे थे, बराबर हाँ नो लॉस मारे थे। हाँ हाँ तो बाद में एक और एक मैच तेरे को याद होगा जिधर वो टूर्नामेंट विनोद ने ऑर्गेनाइज किया था, सिरसाट पेकर ने ही नाइट में ऑर्गेनाइज किया था और सुबह हो गई थी प्रज्ञा में, प्रज्ञा सेमीफाइनल का। हाँ, प्रज्ञा में। में तो वो मैच कैसे, वो मैच का जिक्र कैसे करेगा तू? और नहीं, वहां वो पे मैच भी नहीं एक्चुअली वो देखिए, मैच में भी अपना 24 रन ही हुआ था उनको, उनका बैटिंग लाइन बहुत अच्छा था, दाऊ था, बाद में अल्पेश था, राजू था, अवधूत भी खेलता था वो टाइम पे, उनका पूरा साइड था जॉय का। और हाँ वहां पे मुझे याद है वो मैच में उन लोग ने कॉम्प्रो करने से मना कर दिया था। कॉम्प्रो से याद है मेरे को, ये जो अपने पढ़ने बात चले वो मुझे याद है, अपन जीत गए थे मैच, पर मुझे वो मैच का केस याद नहीं है, क्योंकि बहुत से मैच हुए थे अपने, इतने मैच याद नहीं रहते, पर कॉम्प्रो से मुझे एक बार याद आया, हम लोग एक बार तांबे मुझे लेके गए थे खेलने के लिए जोगेश्वरी में रेनी क्रिकेट का, तो अच्छा सेमीफाइनल में जॉय लोग ही आए थे, दाऊ लोग, और उसमें पप्पू वगैरह मतलब इतना अच्छा साइड बनाया था पप्पू लोग का, पप्पू लोग को लेके, तो तांबे गया था कॉम्प्रो करने के, चलो कॉम्प्रो कर लेते अपने टीम में बोल के, तो दावो ने मना कर दिया कि नहीं कॉम्प्रो नहीं कर पाएंगे, इतना पगार भी देना पड़ेगा लोग को, तो नहीं हो पाएगा एडजस्ट। हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग रेनी क्रिकेट मैच खेले, और लास्ट में 6 बॉल 4 का मैच था, और पप्पू ही सामने था,
मैंने पप्पू को 6 बॉल 4 में मारने दिया था, तो वो मैच हम लोग जीते थे। शाम को भी याद रहेगा वो अच्छा टाइम का मैच, ट्रेनिंग तो क्रिकेट रबर रबर बॉल से। ये बाद में एक ऐसा कौन सा किस्सा जिधर तूने दीपू और तुषार को आउट किया था, जो दीपू को तो बॉक्स रेट का सचिन तेंदुलकर बोलते हैं और बादशाह किंग बोलते हैं बॉक्स क्रिकेट का, उसको आउट किया कि ये दीपू है और इसको मैंने आउट किया, वो कैसी फीलिंग थी बाद में? और तुषार तुषार को आउट वो करना, दादर का सीन था एक्चुअली, अभी हाँ क्या हुआ था वो किस्सा क्या था? नहीं गया था वो टाइम पे। तो अच्छा बोले अरे यार, हम लोग फर्स्ट राउंड जीते थे, सेकंड मैच था हम लोग का, तो बोले अरे यार लुक सब मैच आ गया सब। वो टाइम पे जब विकी लाल थे, अभी तो फिलहाल उनका देहांत हो गया, बट वो टाइम मुझे बोले अरे यार लुक सब मैच आ गया, कहाँ जीतेंगे अभी। तो हम लोग ने कैसे कैसे करके 24 रन बना दिए, तो लोग अभी तो हंसते खेलते मारते हैं, कुछ बना नहीं स्कोर ऐसा बोल के। तो मैंने पहले बॉल पे दीपू को आउट ले लिया पहले बॉल पे, सब लोग इतना खुश हुए, इतना खुश, मेरे बाप ऐसा क्या खुशी मना रहे थे जैसे कि तुम वर्ल्ड कप जीत गए। ले सब लोग बहुत खुश है, बस उठा उठा के एकदम, ऐसा ऐसा इतना खुशी थी, मुझे लगा रहेगा अच्छा बैट्समैन रहेगा। फिर बाद में सही बात है, वो मैच जब जैसे दीपू आउट हुआ ना, पूरा मैच वो लोग बोलते ना टुकुर टुकुर टुकुर, बाई मिस्टेक एक आध एक्स्ट्रा, ऐसा मतलब जरा भी ऐसा लगा नहीं कि वन साइड मैच हुआ। लास्ट बॉल तक मैच गया था, तो भी लास्ट बॉल में मिस फील्डिंग हुई तो हम लोग हारे, तो मैच भी बहुत अच्छा हुआ था। और सही बात, सब लोग बोलते ये है तो सब कुछ ऐसा है, बट जब डीपू आउट हो गया था तो पूरा मैच खत्म हो गया था, लेकिन टीम और कोई नहीं बचा खेलने के लिए। फिर अच्छा तो वो फीलिंग कैसा था कि तो तेरे को मालूम पड़ा, अरे तो वो दीपू है जिसके बारे में मैं सुनता हूँ और मैंने उसको आउट किया है, ये किसने हाँ आके वो बताया अरे ये दीपू है? विकी ने बताया था, हाँ विकी ने बताया, तो मैंने विकी कौन दीपू बोला, जी तू बोलते ना ये बहुत अच्छा बैट्समैन से नाम से बहुत अच्छा टैप खेलता है, ये मराठ में नाम, पूरा वेस्टर्न बेल्ट में नाम है इसका, वही दीपू था। मैंने अच्छा इतना क्या, तो संकेत में बाकी फिर कैसे लगाया था, अरे कि कम्बा बॉय डाला करके। और इवन भी अच्छा मैंने बहुत मैच खेला एक्चुअली, इवन पवाई में जाके भी बहुत खेला मैं इवन के साथ भी। अच्छा प्रशांत चषक का तेरा कुछ मेमोरी याद है क्या तेरे को? प्रशांत चषक जो अपना समता नगर में होता है। मैं वहां पर शायद एक या दो ही बार खेला प्रशांत चषक का, मेरे को अच्छा याद नहीं फिलहाल कि वहां पर शायद ओके इतना लंबी जर्नी हुई नहीं, हो सकता है कि मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड में हार गए होंगे तो याद नहीं है, लेकिन ये मेमोरी वहीं की याद रहती जहाँ पर तुम जीते होते यहाँ पर, या फिर जहाँ सही पर कोई बात है। सीन होता है। अच्छा तो अभी आते तेरे मलड़ वेस्ट क्रिकेट के बारे में, तो अभी तू मालवनी में रहता है, तो मलड़ क्रिकेट मालवनी का क्रिकेट में तू कैसे ये हुआ? क्योंकि वहां का क्रिकेट और मलड़ इसका क्रिकेट बहुत डिफरेंट है फर्क बहुत। तो वहां पे तू वो टीम में कैसे खेलना चालू किया वहां पे? वो टीम ऐसा मतलब जो मेरे घर के बाजू में ग्राउंड था वहां पर लोग खेलते थे, मैं भी खेलने चला गया, हाँ जो मेरे कंफर्टेबल था बाजू के ग्राउंड में, वहां पे खेला मैं, तो लोगों को लगा है तो अच्छा खेल रहा है, चलो उसको ले लेते हैं अपनी टीम में। और सही बात है, जैसे मैं लोग की टीम में एंट्री किया, तो खाली पहला साल मतलब वो लोग जो टीम थी मालवनी की, हम लोग की वो इंटर में खेलती थी, इंटर के लॉट मालवनी के, अच्छा और खाली पहला साल फिर हम लोग को इंटर में खिलाया गया, हम लोग अच्छा खासा हाँ मालवनी नाम बना लिया था पहले पहले साल ही। तो लास्ट सीजन एंडिंग है मतलब मैं गया था, तो एक दो मैच खेले थे, उसके बाद पूरा सीजन इंटर में खेले आज तलाक, उसके बाद हम लोग अभी इंटर में एंट्री नहीं मिली, आज तक हम लोग आउटर में गए। तो मेरे को पहले 13 बजे से हम लोग आउटर में खेलना पड़ता है, ऐसा वैसा है। और यहाँ भी मैंने आउटर में खेल के भी अच्छा नाम कमाया, यहाँ भी मुझे एक मैन ऑफ द सीरीज भी मिला था कि बैटिंग भी किया था, और एक बार फाइनल मैच में अच्छा बैटिंग किया तो मुझे बेस्ट बैटिंग का ट्रॉफी यहाँ पे भी मिल चुका अच्छा है। बॉलिंग हाँ एक बोल बोल टूर्नामेंट याद एक टूर्नामेंट याद होगा तेरे को, मनसे का टूर्नामेंट था, राजू वोरा ने टूर्नामेंट रखा था पत्तू के यहाँ पे, और तेरे सामने यही मालवनी का टीम था ऑपोजिट में, और अपन सेमीफाइनल में उनके साथ खेल रहे थे, याद है राइट तेरे राइट को? राइट। वो टीम ऐसा था जब मैं मालवनी में खेलता था, मतलब कुछ एक या दो साल मेरे को हुआ था मालवनी में खेल के, तो वो लोग मेरे को जानते थे, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता था कि सिरसर का नाम मलाड में बहुत अच्छा नाम है। तो मैं सामने से, और लेकिन और वो जो टीम थी ना मालवनी की, आज की डेट में आज पहले से नंबर 1 टीम है, जिसका नाम है पैकर्स, उसको बोलते हैं पैकर्स, पैकर्स, हाँ और बहुत सही बहुत पैकर्स, अच्छा साइड है हाँ वो। मैं इस समय सोच रहा अपने बंदे अपने मालवनी वाले सामने जाते कॉम्प्रो करने के लिए, मैं खुद गया था काम को, और जबकि सही बात है मैं कॉम्प्रो करने के लिए कभी नहीं जाता हूँ,
इतना गहना है, हो ही जाता है जिस गलत से जो भी बात करने करेगा। तो मैं खुद सामने की मेरे पहचान वाले बोल गया, तो उन्होंने मना कर दिया। और सेवन में दिल अच्छा में थोड़ी खुशी हुई थी, चल कॉम्प्रो कर लिया, पूरा पैसा अंदर, इतना मेरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इन लोग को जीतने नहीं देंगे। और वही हुआ फाइनली, कुछ शायद 3 ओवर का मैच था, 18 बॉल 14 आप लोगों को मारने का था, अपने कुछ 12 बॉल 2 ओवर में मार दिए थे, 12 2 ओवर में खत्म सर हो खत्म गया। हो गया। हाँ, पर बाद में तुझे वहां पे जाके गाली पड़ी रहेगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तूने। अच्छा नहीं नहीं वहां पे मतलब जो पैकर्स की टीम अच्छी है नो डाउट, लेकिन वहाँ के जो लड़के हैं पैकर्स की टीम के, वो लड़के भी अच्छे, मतलब ज्यादा क्रिकेट नहीं करते। उसकी टीम है हमारे नीचे बहुत क्रिकेट, वो क्रिकेट टीम हम लोग का नाम भी आता है, जो हम लोग टीम का नाम है ग्रीन वॉरियर्स, सबसे ज्यादा उसका नाम आता है क्रिकेट की। हम लोग टीम में बहुत क्रिकेट लोग है, बहुत किसमें, तगड़े होते कौन सा टीम? हैं। जिस टीम में मैं खेलता हूँ मालवनी में, ग्रीन वॉरियर्स में, अच्छा, हम ग्रीन लोग की टीम वॉरियर्स। है, हाँ हम लोग की टीम सबसे ज्यादा आगे रहती है झगड़ा करने के लिए, कप अच्छा चेयर खींचने के लिए, तो हम फ्रैंक अच्छा बता रहा अच्छा हाँ, हूँ। तो ये था तेरा पूरा सब क्रिकेट टीम का जर्नी। तेरा A1 के साथ का कुछ तेरे को जर्नी याद है? A1 में कब फर्स्ट टाइम खेला था? मुझे याद है एक तेरा अब मैच मलाड वेस्ट का जलसा मलाड वेस्ट का, सही बोला तब के भी, जलसा के साथ नहीं, मलाड वेस्ट में गए थे खेलने को, बिपिन लेके गया था तेरे को और मेरे हमारा को। ड्राइवर दूसरा मैं था। हाँ हाँ तो सर क्या मैं को बोलता रही इसको कौन कौन ये करके, तो याद है तो तामने बच्चा बोला है यही करके, किया। नहीं हाँ बिपिन ने बोला था तू ये बच्चे को बच्चा मत समझ, तू इसकी बॉलिंग देखना फिर बात करना। मैं भी आया था, बिपिन लेके गया बराबर था अपने दोनों को। हाँ हाँ तो वो टाइम का तेरे को कैसे लगा था? वो टाइम पे भी तुषार अपने सामने सेमीफाइनल में आया था और तूने उसको आउट किया था, तुषार का एज लग के बाहर आउट हो गया था तुषार, तभी विक्की था अपने साथ में। पता नहीं था सर, बताओ तो इतना पता, हम लोग नहीं जानते थे तो किसी को आउट किया नहीं किया उतना पे मैटर नहीं करता, खाली इतना था कि टीम जीतनी चाहिए, मैं और मेरा परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए, बस अपने इतना पता था कैसे कैसे टीम जीत जाए, बस किसका भी किसको भी आउट करे कोई भी चौका मारे, अपनी टीम जीतना चाहिए मन में रहता था खाली। सही 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 बात है। और वो मुझे याद है वो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आ रहे थे, अच्छी अच्छी टीम को हराया था। सेमीफाइनल में ओमकार मिली थी अपने को वहां पे, ओमकार के सामने अपन आ रहे थे, वो भी बहुत ऐसे नहीं एकदम अच्छे से ये हुआ था, कंपटीशन हुआ था शायद, कुछ लास्ट ओवर में रन नहीं मारा था, ऑल आउट हो गए थे बिपिन आई के। थिंक तो यस हाँ, तो तेरे तेरा सबसे फेवरेट टूर्नामेंट कौन सा है जो तेरे को बहुत पसंद है खेलने को? सही बोलते, मुझे सबसे ज्यादा सर्कल खेलने के लिए मजा आता है, और हाँ स्पेशली बोलो देखा जाए तो जो अपना मलाड वेस्ट अपना जो होता है ना, जहाँ पे अपन लास्ट टाइम फाइनल बार इन्हें लोगों को हरा के सर्कल अच्छा, वाला बीएमसी, बीएमसी। बीएमसी का, तो वो सर्कल में खेलने हाँ बहुत मजा आता है कि वो प्रॉपर सब जगह सर्कल रहता है, ये आगे पीछे मोस्ट ऑफ सेमी सर्कल रहेगा तो पीछे कम रहता है वो, लेकिन वो प्रॉपर सर्कल रहता है, तो वो टूर्नामेंट खेलने में तो अच्छा लगता है मेरे को सर्कल में। मुझे याद है, यही अभी एक किस्सा मैं छेड़ता हूँ, रिबिलियंस वाला। रिबिलियंस ने सिरसाट पेकर को बहुत हराया था, 1 साल परेशान कर दिया था। तो एक अभी जो बीच में एक युवा चषक शायद कुछ हुआ था कांग्रेस का, बीएमसी में, और वो मैच थी मुझे याद है क्वार्टर फाइनल की, तो वो हाँ मैच तेरे को कैसे तू डिस्क्राइब करेगा? नहीं क्वार्टर सेमी थे अपना फाइनल बाद में जलसा के साथ में था ना, क्वार्टर हाँ नहीं थे बरोबर, फाइनल हाँ सेमी सेमी सेमीफाइनल थी। हाँ वो हाँ तो वो कैसा तेरा था? टाइम तो बाबर मैंने बहुत चिढ़ाया, मैं इतना कभी जीत के हार के कभी चिढ़ाता नहीं, वो टाइम मैंने बहुत चिढ़ाया था, मेरे को पता है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को अपडेट आ गया था कि लोग अपने को मांग के लिए है ऐसा वैसा, वो लोग बहुत बोल रहे हैं रेबिलियंस वाले, तो मैं बोला सबको अभी कुछ भी जीतना है अपने को, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि साइडम वगैरह रहेगा वहां पे लोग अपने से नहीं जीत पाएंगे, भले अभी अपने खेलना प्रैक्टिस कम हो गया लेकिन इतना गेम आज भी है अपना कि अपने से अगर साइडम रहेगा तो वो लोग अपने से नहीं जीत पाएंगे, आई एम डैम श्योर। तो मैंने हाँ सही में दिल की पूरी भड़ास सब निकाला था, बहुत चिढ़ाया लोगों को, कभी कभी कुछ चिढ़ाया नहीं, वो पूरा मैच हाई वोल्टेज मैच था, बहुत पूरे बहुत हाई। टूर्नामेंट पूरा। मुझे याद है मैं रात भर से सुबह टीम के साथ में ही था, मैं रात को घर पे जाके रिटर्न आया था, और मुझे मालूम पड़ा कि सेमीफाइनल इनामुल्ला के साथ, रिबिलियंस के साथ है, और अपने में से कोई कॉम्प्रो करने भी नहीं गया था, ना उन लोग आए थे ना अपन आए हाँ थे। हाँ, हाँ और बाय लक वो अपने साथ सेमी में आए थे, हाँ तो वो जो मैच हुआ था वो ऑर्गेनाइजर के भी सर का दर्द बन गया था, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज मैच, वो खुद बहुत बोला मेरे बहुत को
हाँ, मेरे को मिथिलेश खुद बोला कि इतना हाई वोल्टेज मैच तो इंडिया पाकिस्तान का भी नहीं होता, तो ये कहाँ से हो गया? रहती ना अभी भी, अगर आज की डेट में अगर अपने कोई टेंशन देगा तो अपन फिर से वो जोश निकलता है, खून बोलते ना खून में रहता ही हो कि नहीं इसने बोला कैसा है, इसको हारने का ही है, तो अपने आप से अंदर से निकल के आता है बात। भले अपन फॉर्म में नहीं है लेकिन सिचुएशन पे सब मैटर करता है। सही बात है। मुझे याद है वो जो टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट में ना हर एक प्लेयर का रोल था, हाँ टॉप टू बॉटम का, टॉप टू बॉटम हाँ का रोल था और उनके सामने था, क्योंकि उनने जो उनका जो साइड था वो बहुत अच्छा था, अभी भी है। अभी थोड़े उनके प्लेयर यहाँ स्कैटल हो गए, यहाँ वहां खेलने लग गए, पर वो जो उनका साइड था वो बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ, और उनने एक साल सिरसाट पेकर बोलो, जलसा बोलो, फ्रेंड्स बोलो, सबको परेशान किया था। आर्यंस बोल, जो अपने कुरार की अच्छी अच्छी टीम थे, उनको परेशान किया था। हाँ, तो वो एक फैक्टर था उनका, तो अपने साथ तो उनका राइवलरी हो गया था। जैसे अपना पहले 2013, मुझको याद है 2013 में जलसा वर्सेस सिरसाट का राइवलरी चलता था, तो हाँ वैसे रिविलियंस वर्सेस जलसा, रिविलियंस वर्सेस सिरसाट पेकर हो गया था। हाँ, तो तेरी फेवरेट टूर्नामेंट तूने बताई नहीं मेरे को, कौन सी है तेरी फेवरेट टूर्नामेंट? तेरे को खेलना बहुत पसंद है वो टूर्नामेंट, और वहां पे तू 102 टक्का देता है। ऐसा फिलहाल स्पेशल ऐसा मेरे को टूर्नामेंट है, मुझे खेलना बहुत पसंद है। मुझे सिर्फ इतना सिर्फ सर्कल खेलना मुझे बहुत पसंद आता है, ऐसा कोई स्पेशल टूर्नामेंट मैं नहीं किए, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है खेलने के जाऊँ, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है मुझे खेलना है वो, ऐसा नहीं है। बस सर्कल जहाँ रहता है ना वो तो मुझे बहुत खेलने मजा आती है। अच्छा, ऐसा कौन सा तेरा एक बेस्ट ट्रॉफी तेरे को याद है, जो तेरे को मिला हो, तू आज भी तेरे साथ रखा हो, या तेरे मलाड ईश के घर पे हो, या वहां पे हो, तू देखता है तो अरे यार ये टूर्नामेंट बहुत सही था, इसको खेलता था तो वो खेला था, बहुत मजा आया था, मेरी बॉलिंग भी हुई थी और बैटिंग भी हुई थी, ओवरऑल तेरे को परफॉर्मेंस का ट्रॉफी मिली थी और प्राइज मिला था। जैसा ये ना मुझको याद है, आज भी एक बार अपना ये भीमनगर में मैच था, भीमनगर अच्छा, में, तो वहाँ पे ना इंटर आउटर का सीन चल रहा था, तो मैं इंटर में यहाँ पे खेल रहा था तांबे लोग में, और आउटर हाँ में जलसा में खेल रहा मम्मी, हाँ, बोल बोल बोल। था। मैं वहाँ पे गया तो इंटर में यहाँ से फाइनल में आ गया, और आउटर में जलसा में खेल के वहाँ आउटर से फाइनल में आ गया था। तो अच्छा, एकदम किसने खेलने का फाइनल मैच है, तो सबने बोले, मैं पूछा थी क्या करने का, तो जो मैं शायद दिनों से पूछ रहा था क्या करने का, अभी तक सुहास ने मेरे को बोला था पहले, अब काम भी अपने वाले ही सब क्या करने का था, अपने मेरे को विनोद ने बोला काम कर, तो डायरेक्ट अपने में खेले, अपने इंटर बेसिकली तो अपने अपने ताड़ी कंपन वाला ही है, तो हाँ, प्रेफरेंस अपने वाले को देने का है, सुहास भी अच्छा, अपने ऐसा नहीं है, और सबसे बात सुहास अपना ही है मेरे को तो ये लगता है, लेकिन वो टाइम पर लगा नहीं यार अपन एरिया वाले एक्चुअली एटलीस्ट, तो पहला प्राइज उनको देना चाहिए, तो उसमें खेला, और सही बात है। लेकिन मुझे याद है भीकू आनंद, भीकू को पहचानता हाँ, बीकू बीकू, है, हाँ, तो जलसा, मैं जब उन लोग में खेल के हाँ बॉलिंग डाल रहा था, इनको गुड बॉलिंग बहुत अच्छे, जब ओपोजिट खेलने के लिए आया मेरे को 2 से 3 नो दिया उसने, सेम अच्छा, टीम में खेल रहा अभी फाइनल में, 2 से 3 दिया उसने, मैं बोला वाह भीकू वाह। वो टाइम पे थोड़ा सा लेवल दीपू का मेरी नजर में गिर गया था, अब अच्छा फैक्ट बात बता रहा हूँ, मैं तो प्लेयर सब मैं सब तो इज्जत करता, लेकिन चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करना, जितना उतना फेयर गेम खेलो बस। सही सही बात है, सही बात। तेरा ऐसा तो अभी मैं तेरे को पूछता हूँ, हर एक प्लेयर के भी इसमें ये फेज आता ही है। हाँ, हर एक प्लेयर के इसमें फेज आता ही है, तो तेरा एक बैड फेज था, जैसे तेरा एक बैड फेज आया रहेगा, तो वो बैड फेज क्या था, वो कुछ मेमोरी तेरे को शेयर करना है तो, तेरा बॉलिंग जिस दिन नहीं चला, बैटिंग नहीं चला, और ऐसा बैड फेज हो गया कि, और तेरे मन में आया कि नहीं अभी बस हो गया, अभी मैं नहीं खेलूंगा, और किसी ने आके पीछे से बोला है कि नहीं, तेरा क्रिकेट बाकी है, अभी तू और खेल सकता है, और तेरे को खेलना है और तो अच्छे से बहुत खेले। बार आता है, जैसे हम शनिवार को हारते संडे को हारते, तो मन में यही ख्याल आता है अब तो अब हार के दिमाग खराब, तो अगले संडे से खेलने के, लेकिन सही बात है वो बस वो जो गुस्सा रहता है ना वो मंडे ट्यूजडे तक ही रहता है, जिधर वेनेसडे हाँ, थर्सडे या तो यहाँ पे राहुल डालने का, हाँ क्यों डालने का, खेलने का अपने को मन में, ऐसे वही 2 दिन का गुस्सा रहता है कि नहीं खेलना बोले, लेकिन जैसे दिन नजदीक आते हैं तो फिर से क्रिकेट का क्रेज कभी मरता नहीं, एक्चुअली आदमी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन क्रिकेट का क्रेज नहीं मरेगा, जिसका है ऑलरेडी वो हमेशा रहेगा, ये अच्छा, मेरा मानना है।
ओके नहीं, पर कभी ऐसा हुआ है टिंकू तेरा कि नहीं आज बॉलिंग नहीं चला और तेरे को ऐसा लगा नहीं अभी बस हो गया अभी नहीं खेलना है, अब मैं तो छोड़ दूंगा अभी मेरे को नहीं खेलना है, ऐसा फेज आए? और किसी ने बोलते ना, एक हर एक आदमी क्या आता है, ऐसा नहीं कि तेरे में ही, हर एक प्लेयर क्रिकेट में फेज आता है, तो उससे तूने ओवरकम कैसे किया? और तेरा जो ऑफ ब्रेक बॉलर वो इन्वेंट कैसे किया तूने, जो ऑफ ब्रेक बॉल अभी हाल ही में 3-4 साल से तू जो डालने लगा ऑफ ब्रेक, मुझे याद है हाँ मैं भी तेरे साथ खेला हूँ सिरसाट पेकर में और कीपिंग भी गया है, तो तू जो ऑफ ब्रेक डालना चालू किया वो इन्वेंट कैसे हुआ तेरा ऑफ ब्रेक? मुझे मैंने याद है ऐसा तू माना लेग, कि बरसीद हाँ में एक बैग डालता था, लेकिन कैसा ना बहुत लोगों को पता चल गया था सिर्फ एक बैग डालता है, तो लोगों को हाँ फिर खेलने की बरोबर, हैबिट हो गई थी, तो लोग मुझे हाँ थोड़ा कंफर्टेबल खेलने लगे थे। तो मैंने खुद सोचा, और गंजा ने ये मुझे बहुत बोला, विनोद ने बहुत बोला मेरे को, तूने भी मुझे बहुत बोला था एक टाइम पे, अभी तो कुछ खुद भी नया कर, लोग नया कर, सब लोग तेरे अकॉर्डिंग समझ गए हैं, तू भी नया कर। तो सही मैं बात है, प्रैक्टिस किया, और सीखने के बाद भी ना मैंने कभी मैच में डाला नहीं, लास्ट ये 2-3 साल में जो है कर देख के डालने लगा और बॉलिंग थोड़ा गिरने लगा। तो मैं बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन डर के मारे कभी डालता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो तो प्रैक्टिस में लाया मैच में, टूर्नामेंट्स में, फिर वो इम्प्लाई इम्प्लीमेंट करते करते हो गया। अच्छा तो ये था तेरा, तो उससे तूने ओवरकम कैसे किया, तेरा बैड फेस से ओवरकम कैसे किया, तू क्या करता था, प्रैक्टिस करता था के देखता था, नहीं, वो ये तूने नहीं मेरे बताया? को विनोद मेरे को बोलता था हमेशा, विनोद और गन्या, होता है मैच में ऐसा, क्या हो गया, हार गया तो कुछ नहीं, कितने लोग किससे हारते। एग्जाम्पल मेरे को उसने किसका दिया था मालूम, प्रशांत का, ओमकार का, तो हाँ पतला का एग्जाम्पल दिया मेरे को उसने। प्रशांत का एग्जाम्पल ये था कि एक बार वहां पे मैच था गोरेगांव में, वहां पे प्रशांत जलसा में खेल रहा था, 6 बॉल 24 चाहिए था, और एक बैट्समैन ने प्रशांत को 6 बॉल 24 मारा था, जबकि प्रशांत एक अच्छा बॉलर है, सही स्पिन का बात भी है, साइड हाँ है, उसको जब 6 बॉल 24 मार सकता है, वो कभी नहीं खेला छोड़ा उसने, तो तेरा क्या, एक बार हार गया तो ऐसा क्या कर रहा था। और सही बात, मुझे इतना मन में गुस्सा आया था, क्योंकि वो टाइम पे बहुत अच्छा ट्रॉफी था और लोग बहुत मेहनत करते थे, तो मुझे लगा मेरी वजह से हार गया, खेलना ही नहीं है। तो विनोद ने मुझे बहुत समझाया, विनोद मेरे घर पे भी आया था मुझे लेने के लिए, कि चल चल होता 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 करके, फिर मैं आया, और तूने मुझे बहुत समझाया था, नो डाउट मुझे याद है वो चीज, क्या करेंगे अभी, क्रिकेट खुद अंदर कीड़ा है, तो वो मना करने बाद भी थोड़ा बहुत आदमी मनाता ना तो आदमी मान जाता है, क्योंकि कीड़ा खुद के अंदर भी रहता है, वो खेलने का तो सही है, बात इच्छा है, तो है सही ऐसा। बात है। पर मैं तेरे को टिंकू बोलना चाहता हूँ, आज सब व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, जो सिरसठ पेकर खड़े करने में सबसे बड़ा अहम आदमी का रोल है और सबको बांध के रखने का जो रोल है वो विनोद सिरसठ का है, और विनोद सिरसठ का हाँ नाम, वो सिरसठ टीम का नाम विनोद के इस पे ही हमने दिया था हाँ कि विनोद उसको है भी, डेलीगेशन के ना, हाँ वो भले गुस्सा करेगा वो टाइम पे ग्राउंड पे करेगा, पर बाद में जो बैठ के बात करता है वो बहुत अलग ही करता है वो। विनोद मेरी नजर में अलग ही, उसका जो है उसका, तो जो मेरी नजर में इमेज है वो अलग ही है। विनोद मेरे को बोलेगा आज भी बोल दे तू सिरसठ छोड़ दे, आरएस में खेल, मैं भी छोड़ दू सिरसठ, विनोद टीम बन टीम बन, अपने लिए ऐसा है क्रिकेट के लिए। विनोद और गन्या दोनों है जो बांध के रखे हुए, गन्या कर सबको, विनोद एक बार बोलेगा लेकिन सबको कंटिन्यू मैनेज करना, गन्या भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, सबको बरोबर फोन करना बरोबर, कंटिन्यू, बैक टू बैक फील्ड जमा करना, टूर्नामेंट अरेंज करना। हाँ बरोबर। तो ये था तेरा, बाद में अभी बीच में हाल ही में तेरा तबियत ठीक नहीं था तो बहुत मैं आ नहीं पाया और मेरे को भी मालूम पड़ा तो था, तो वो टाइम पे तेरा सिचुएशन कैसा था, मतलब वो टाइम पे कैसे तूने ओवरकम किया वो सिचुएशन से वो टाइम पे एज अ मैंने, फादर? जब मैं आया था हॉस्पिटल से, तो शायद बस मैं घर पे आने के बाद मुश्किल से 1 महीना आराम किया था, क्योंकि मुझे मुझे पता क्या थी, मैं थोड़ा बहुत सीढ़ी भी चढ़ के ऊपर आता मैं थक जाता था। तो मैंने एक दिन गया जी खेलने के लिए, खेलने के लिए नहीं गया, गली में हम लोग बच्चे लोग स्पंज के बॉल से खेल रहे थे, तो हाँ था मैं भी खेल लेता गली में बोल के स्पंज के बॉल से, तो मैं मुश्किल से 10 मिनट खेला रहूंगा, और मुझे वो शाम को ऐसी थकान लगी जैसे मैं पहले खेलता था सुबह सुबह, संडे को 7 बजे निकला हूँ, डायरेक्ट रात को घर आया कंटिन्यू खेलने, उतनी मेरे को थकान लगी, तो मैं सोचा आराम किया, फिर नेक्स्ट डे फिर से मैं गया तो थोड़ी कम थकान हुई, मैं अब मैं शायद रिकवर हो रहा हूँ। तो फिर मैं उसके हफ्ते बाद रेगुलर खेलना चालू किया अपने अपने ग्राउंड में टेनिस बॉल से, फिर कंटिन्यू खेलते खेलते वापस मैं अपने रूटीन में आ गया, वापस से पिकअप हो गया, मेरा बॉडी भी जल्दी खेलने की वजह से मेरा बॉडी भी रिकवर हो गया फटाफट, तो आज भी आप देख सकते हो मेरे हाँ को थोड़ा हेल्दी हो चुका हूँ मैं।
माइंड वाले सोले। तो उसमें फैमिली का कैसा सपोर्ट था, तेरी वाइफ ने कैसे सपोर्ट किया, और कौन कौन आया था वो टाइम पे सपोर्ट करने के लिए तुझे? सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे को उसमें मेरी वाइफ ने, क्योंकि उसको वैसे मेरे घर का पूरा दिखना पड़ता था, प्लस उसका यूट्यूब का चैनल भी, उसको वो सब भी काम करना पड़ता था, और मेरे को भी देखना पड़ता, वो डेली आती थी, चाहे कुछ भी हो जाए डेली आती थी। और दूसरा सपोर्ट था मेरे को मेरे सास ससुर का। मेरी सास तो फिलहाल मतलब ऐसा हो गया था, मतलब जो हॉस्टल में ऐसा हो गया था कि लोगों को लगने लगा था कि इसकी माँ है करके, लोग पूछते आप इसकी मम्मी हो, इतना मेरे वो ख्याल रखती थी मेरी सास। और मेरे ससुर तो फिलहाल थोड़े से हार्ट के पेशेंट, वो आ नहीं पा, लेकिन वो फोन पे हमेशा खैर खबर लेते रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया था वो टाइम पे, स्टिल आई रिमेम्बर, उसने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए वो टाइम पे। तो उसका घर और बच्ची भी मेरी, तो उसको भी केयर करना, साथ में मैनेज करना। तो मैं एमबीसी की तरफ से, सबके तरफ से हमारी भाभी को धन्यवाद बोलता हूँ जो तेरा केयर करती है, तेरे को सपोर्ट करती है। ऐसे ही खड़े रहे, अल्लाह से दुआ करता हूँ तू और अच्छा क्रिकेट खेले और हेल्दी हो। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, सब खत्म होगा, सीजन आएगा, हम देखेंगे एक नया टिंकू फिर से हमको देखने मिलेगा ग्राउंड में खेलने के लिए। और मेरी तरफ से और एमबीसी की पूरी टीम के तरफ से भाभी को मैं सलाम करता हूँ जो तेरे पीछे एक दीवार बन के हमेशा खड़ी रही है, आगे भी खड़े दिखाओ, रहे मेरे इधर। दिख रहा है पीछे ना जो ये हाँ ना, मैं ना दिया सर। तो टिंकू इधर मैं जरा 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगा, क्योंकि अपने को इंस्टाग्राम पे 1 घंटे की मोहलत देते थे, टाइम मालूम नहीं पड़ा, हाँ 1 घंटा एक घंटा हो कब गया। हो गया मालूम भी नहीं पड़ा। तो 5 मिनट का एक ब्रेक ले गए, 5 मिनट के बाद वापिस से आएंगे, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ी बहुत और बातें होंगी, तेरे एक खास दोस्त के बारे में बात करेंगे। हाँ तू समझ गया रहेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और कमेंट पे भी तुझे दिख गया रहेगा। तो थोड़ा 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन फिर आया से आया रिजॉइन तो होंगे। दोस्तों ना शेयर करो, विनोद ने कमेंट किया है। चलो तो 5 मिनट के बाद ठीक फिर से आएंगे, ठीक है, है? चलो हाँ मैं ओके ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। और नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त मनीष पटेल। तो जैसे आपने देखा फर्स्ट पार्ट बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग था, वैसे ही सेकंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टिंकू के बारे में हम जानेंगे और उनके कॉलेज सफ़र के, जो कॉलेज की उनकी टीम थी उसके बारे में जानेंगे, वहाँ से उनने क्या और बहुत सी चीज़ें। और आपके कोई क्विज, आपको अगर कोई उनसे सवाल करने हो, उनका आंसर चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम पिक करेंगे और सभी का आंसर देने का कोशिश करेंगे। और एक मैं आज एमबीसी की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ। थोड़े ही दिनों पहले हमारे जोगेश्वरी के एक अच्छे बैट्समैन और एक खिलाड़ी जो जॉय टीम में खेलते थे, अच्छे ओवरम खेलते थे, रामा, उनका एक हार्ट अटैक के वजह से डेथ हुई। तो मैं उनके फैमिली को और उनके जो परिजन है उनको एमबीसी की तरफ से भव्य श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे, ये मैं पूरी एम्बेसी टीम के तरफ से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में हम टिंकू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसका नाम शफीक है, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे, लाइव आएंगे। तो टिंकू वेलकम बैक, ये पार्ट टू है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो मैं पहला ही तेरा जो सेकंड पार्ट का इंटरव्यू है उसमें ये पूछूंगा, तेरा कॉलेज की टीम की क्या यादें है, कॉलेज की टीम की? कॉलेज की टीम की बात की जाए तो कॉलेज में तो मैं फिलहाल 3 साल था, कंटिन्यू संस्कार में था, और तीनों साल मैं एक ही टीम में था, और हम लोग शायद 3 साल में बॉक्स में हम लोग कंटिन्यू नहीं 11th में फर्स्ट मारे थे बॉक्स में, और 12th में सेकंड, 13th में फिर से फर्स्ट मारे थे, और ओवर में हम लोग 3 साल कंटिन्यू ओवर में फर्स्ट मारे थे, फर्स्ट प्राइज। कि कॉलेज में कैसा अच्छा होता है अच्छा कि कॉलेज में हम लोग को जो सर्कल था सब क्रिकेट वाले थे, तो हम लोग का टीम अलग ही था, और बाकी कॉलेज में सब लोकल थे, जाता ज़्यादा खेलना आता नहीं था, तो हम लोग के लिए हाँ इतना दिक्कत आई नहीं खेलने के लिए। सिर्फ ये था अच्छा हम लोग जो लास्ट में हम लोग जो इंटर कॉलेज था उसमें हम लोग हार गए थे, क्योंकि उसमें भी जो आई टीम वो सीनियर थी वो भी संस्कार की थी, तो वो भी अच्छे लड़के लोग अच्छा थे खेलने वाले, तो उसमें हम अच्छा लोग फाइनल में हार गए थे, बाकी इंटर कॉलेज में भी दिक्कत कहीं आई नहीं थी हम लोग को। अच्छा
तो वो कॉलेज का प्लेइंग 9 तेरे को याद है? संस्कार का जो टीम तू खेल जिसमें तू खेलता था। अभी उसमें से खाली एक ही लड़का है जिसको मैं जानता हूँ जो एट प्रेजेंट खेल रहा है मेरे साथ में, रतन। अच्छा तांबे ओके। तो फिलहाल सेंटर में खेल रहे हम लोग के, हम हाँ साथ ओवर में खेला है, बट शायद सिंधा टीम में खेल रहा तांबे। बट हाँ ठीक, अच्छा रतन है अच्छा तो अभी एट प्रेजेंट मेरे साथ में खेल रहा है बॉक्स में। बाकी सब अच्छा यहाँ वहाँ कहाँ चले गए, नो आइडिया। अच्छा तो मैं अभी तेरे को कुछ क्रिकेट के सवाल करूंगा। जैसे होते एक सभी का एक बोलते ना फेवरेट बैट्समैन होता है, एक फेवरेट बॉलर होता है, तो तुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बैट्समैन कौन था, जिसको तुझे बॉलिंग डालने में बहुत डिफिकल्टी होती थी? यार यार ये खड़ा हो गया, अभी इसका विकेट में कैसे निकालू, तो ऐसा कौन सा बैट्समैन था? को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई ना अठेरिया के टाइम पे, अपना ओके। जलसा का अठेरिया विनोद, वो हाँ अच्छा, उसका बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छा उसका, और उनको कंफर्टेबली खेल लेता था। उसको भी मैंने परेशान किया ऐसे नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लगता था नहीं ये अच्छा बैट्समैन है, कैसे जरूर खेल लिया करके, थोड़ा अच्छा बहुत डर लगता था। अच्छा तो तूने वो बैट्समैन का वीक पॉइंट कैसे निकाला कि मुझे ये बॉल पे इसको ये डाल के मुझे आउट करना है, तो तू कैसे ये करता था? मैं उसको ऐसा था ना, एकदम उसके सामने से बॉल काटना पड़ता था उसको, बाकी उसके ओके शरीर में कहीं बॉल डालो, बॉल राइज करा दो, अगर उसने स्वीप डिसाइड किया तो उसको स्वीप कंफर्म, उसको स्वीप मारते रहता हूँ। और हार्डली एक आधा तो मिस होता है, बट मोस्ट ऑफ ऑल उसने अच्छा कनेक्ट किया, ऐसा बॉल कनेक्ट किया बैट से, ऐसे नहीं कि ऐड लग के चला गया या सभी को लग के गया हो, मुझे उसने बैट से बहुत अच्छी तरह मारे, और सर्कल में कुछ नहीं रोहन। कि बहुत मारा। तो हाँ हाँ और रोहन तो मुझे रोहन। रोहन ने वो स्टार्टिंग में बहुत तंग किया था, क्योंकि वो मुझे जानते थे पहले से कि हम साथ में अपने जो चर्च का ग्राउंड था वहां पे हम लोग खेलते थे पहले से, तो मुझे अच्छा अच्छे से जानता था। तो फिर समझ में आ गया था अच्छा मुझे कैसे रहे खेलने का, कैसा खड़े रहने का, वो जानता मैं टप्पा गिरेगा तो फिर खेलने में दिक्कत आ जाएगी, तो मेरे बहुत टप्पा गिरने देता ही नहीं था वो, इसलिए मैं अच्छा थोड़ा परेशान हो गया। और उसमें से मोशन सब लोग मुझे बोलने लगे कुछ नया सीख, कुछ नया सीख, वो लोग सब खेलना चालू कर दिया तो अच्छा खेलने लगे। तो तब मैंने ऑफरेज टिकट डालने का, तब थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, तो लेकिन मेरे वेरिएशन आ गया था, लेकिन रोहन भी था मेन उसका, वही था कि मुझे बचपन से जानता था खेलने कैसे खेलना है मेरे को, इसके लिए वो मुझे बहुत कंफर्टली खेल लेता था। अच्छा तो तेरा बेस्ट बैट्समैन तू किसको ये करता है, तेरा बेस्ट बैट्समैन तेरे को अच्छा लगता है, तू देखो जिसको देखता बैट्समैन तो रहेगा बहुत बैटिंग? अच्छे बैट्समैन है अपने मलाड में, खास करके मलाड में स्टार लोग की कमी नहीं है, सब अच्छा, लेकिन सब बोला जाएगा तो क्या हाँ, बोल मैं रहा था? तांबे की बात कर रहा था ना। मैं जब हाँ उतरता ना तो कितना भी रन हो या कौन सा भी फॉर्मेट हो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि तांबे खड़ा ना जिता देगा। तांबे वन ऑफ माई बेस्ट बैट्समैन, अच्छा और नंबर पे फिलहाल है अपना घना। घना का बैटिंग टाइम मुझे इतना क्लास पसंद था ना, मतलब उसका कोई भी, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा बैट्समैन स्वीप मारने में घना, बाप है स्वीप में कसम से, उसके ज्यादा स्वीप पूरे नहीं देख रहेगा मैंने, उसके तो कोई स्वीप खेलता रहेगा। अच्छा अभी जैसे तू खुद एक अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, तो तेरा फेवरेट ऑलराउंडर कौन है? और तो देखा जाए तो फिलहाल अठरिया ही है, कि उसका बॉलिंग भी अच्छा है, लेकिन मुझे बॉलिंग से उसका बैटिंग बहुत पसंद है अठरिया का जनरली। अच्छा हाँ, और एक अपना आईएफएफ का भव्या भावेश, भाव्या। ओके उसका भी ओके अच्छा। ऑलमोस्ट अच्छा गेम है फिलहाल। और तेरे को बॉलर कौन पसंद है, मतलब तू बैटिंग पे जब भी उतरता था? अभी मुझे लगता है हाल ही 3-4 साल में तेरे को प्रमोट भी किया है लोगों ने, सिरसाट में भी प्रमोट करते थे और आर्यंस में भी प्रमोट किया है, तो तेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बॉलिंग खेलने में किसकी लगती थी? मुझे और तो तेरे सही को बताओ बॉलर बहुत बॉलिंग, पसंद था, बॉलर बहुत पसंद था कि यार ये बॉलर बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली डब्बू, डब्बू सब लोग बोलते बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर, सही में डब्बू अच्छा बॉलर है, मतलब उसको एंगल बोलेगा ना, एंगल में वहां पे हो, कौन से भी एंगल बोलेंगे ये एंगल यहाँ पे, जिसे अपने होता है कभी 90 अलाउड है, 40 अलाउड है, 60 अलाउड है, तो हर फॉर्म हर एंगल में अपना बॉलिंग का एक्शन वैसे तौर से अच्छा खिलाता हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डब्बू को खेलना इतना वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि बॉल राइस होता है अच्छा टप्पा है, क्योंकि जो एंगल मारता है ना उसको सिर्फ डायरेक्शन देने का रहता है, मेरे को भी मेरा बहुत थोड़ा सा दिक्कत अच्छा देता है कि कटता है तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन डब्बू का बॉल मुझको खेलने मुझे अच्छा लगता है सही बताओ तो। अच्छा
अभी अगर तुझे तेरी प्लेइंग इलेवन बनानी होगी, हाँ, तो तू क्या प्लेइंग इलेवन बनाएगा? तेरी प्लेइंग इलेवन क्या होगी? प्लेइंग 11 में तो मैं वापस से ऐसा करूंगा एक कि मिनट एक मेरी मिनट, स्टेट। हेलो हेलो टिंकू रुक, मैं तेरे को एक हाँ क्वेश्चन पूछना भूल गया। तेरा बेस्ट विकेट कीपर कौन था जब तू तेरे फॉर्म में बॉलिंग डालता था? जैसे तेरे सिरसाट पेकर में और आर्यंस में, जलसा में, और तू फ्रेंड्स में खेला है, ठीक है, और एवन में खेला है, तो ये टीमों में से तेरे बेस्ट विकेट कीपर कौन थे? सबसे अच्छा मेरा विकेट कीपर था मेरा पहला वाला, सबसे फर्स्ट विकेट कीपर जब मैं टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया था, फिरोज। बरोबर। फिर बाद में उसने खेलना छोड़ दिया पता नहीं शादी के बाद, फिर बाद में तू आ गया तो तू तो अपने लिए हम और फिर अपना अपना बहुत टाइम अपने साथ में थे, फिर तेरा मेरा जमने लगा कि विकेट कीपिंग में, क्योंकि वो टाइम मतलब उसमें खुद को हैबिट थी उसकी कि फिरोज कीपिंग करेगा तो मेरा बॉल भी अच्छा गिरेगा, क्योंकि मेरा पहला होता था खेला होता। बरोबर। फिर बाद में मेरे सेकंड विकेट कीपर गिरने का जो मेरे साथ जमता था वो तेरा साथ मेरा कीपिंग जमता था। फिर वैसे कीपर गिने दिनिया भी बहुत अच्छा कीपर है नो डाउट, बट मेरा को सबसे अच्छा कीपर फिरोज लगता था। ओके ठीक, तो अभी मैं आता हूँ वापिस से अपने पहले वाले सवाल पे कि तेरा प्लेइंग नाइन या प्लेइंग इलेवन क्या होगा अगर तुझे प्लेइंग इलेवन बनाना है? करंट में, जूने में, जो तेरे को याद है प्लेयर, तेरे एरा में खेले हुए लड़के लोग या अभी जो खेल रहे करंट में, उनको लेके तुझे अगर एक टीम बनानी है तो तू क्या बनाएगा? तो मेरी इच्छा है ऐसा ही बदले कि मेरे को जो पता है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं आ पाऊंगा खेलने के लिए नाइट में, ओके और मैं अगर आऊंगा कंटिन्यू जब मेरा फिक्स हो जाए मुझे नाइट खेलना है रेगुलर खेलना है ना, मैं फिर से शीरसट बनाऊंगा जूनियर ओके शीरसट। ओके ओके तो मैं पपलिया गनया लाला इबू बैक शीरसट बैक करना है, लेकिन मुझे खुद पता है मैं नाइट नहीं खेलने आ पाऊंगा अभी शादी हो गई है, तो बरोबर। मैं बोलूंगा ही नहीं। अगर नहीं, अगर तेरे को मिक्स में बनाना है, अगर शीर्षक छोड़ दे, शीर्षक को छोड़ के, जैसे अभी आर्यंस में से एक दो फील्डर पिक करने हो, शीर्षक में से एक दो पिक करने हो, जलसा में से किसको पिक करना हो, तो ऐसे पिक करके तेरे को प्लेइंग इलेवन तेरा बनाना है तो कौन सा होगा? शीर्षक को छोड़ दे, शीर्षक को छोड़ के, शीर्षक के भी कोई प्लेयर ले सकता है तू, अपनी टीम के और बाहर के टीम के भी प्लेयर लेके एक टीम बनाना है, मतलब एक तेरा माइंड ऑफ ये रहता है ना कि हाँ हाँ ऐसी एक मेरी टीम होनी चाहिए, वैसी। तो कौन से प्लेयर होंगे तेरे तेरे प्लेइंग इलेवन क्या होंगे? मेरे प्लेइंग 11 में ना गन्ना रहेगा, ईबू ओके रहेगा, पपलिया ओके लाला, अपने पांच फिल्टर फिक्स है, वो अच्छा अपने वो पांच फिल्टर फिक्स ही रहेंगे बराबर है। ठीक है, हाँ को मैं पपलिया लाला गन्या ईबू विनोद छह हो गए ओके। रे, कैमरा छह हो गए। थोड़ा हाँ ये कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, हाँ। अरे इसके लिए छे हो मैं गए आप। प्लेइंग इलेवन, हाँ, तो इसके लिए मैंने प्लेइंग इलेवन बोला, नाइन नहीं बोला। नहीं ये छे हो गए अपने, तो अपन उसमें ऐड करेंगे एक तांबे को ऐड करेंगे, फिर हाँ ओके अपन उसमें अपन अच्छा बॉलर चाहिए उसमें, तो अपना एक अच्छा बॉलर अपन भाग्या को लेंगे ओके आईएफएफ वाला और आयुष वो जो कीपिंग करता है ना बबन, उसका बैटिंग भी अच्छा बबन, है ओके गोरा सा लड़का है, ओके हाँ एक उसको लेंगे हो गए। हाँ और दो कोई फील्डर, और दो फील्डर लेंगे फिर अपन, एक अपने को बैट्समैन चाहिएगा, बॉलर तो हो जाएंगे मैं लाला भव्या, एक ऑप्शन अपन लेके चलेंगे एक। नहीं फिलहाल इतने को फिलहाल इतने खास फील्डर नहीं है मुझे लेने का, बस ये 9 फील्डर बस हो गया मेरे को, एक्सेस नहीं अच्छा चाहिए मेरे को। अच्छा तो ठीक है, तो तेरा कोई किस्सा, अभी जैसे इबू के बारे में बोलते हैं, एक्चुअल में लोगों को बता दूं उसका नाम इबू नहीं है, तेजस वेली है, तेजस प्यार से हम उनको, प्यार से हम लोग सब उसको इबू बुलाते, उसके बारे में तेरी क्या राय है? इबू के बारे में तू क्या बोलेगा? तेजस, चलो इबू ही बोलते क्योंकि सब उसको इबू इबू के इबू ना, मेरा कहा है मेरा इबू भाई आया क्या नहीं कमेंट इबू की नहीं तरह फिलहाल लाइव चला नहीं है गया वो, तो नहीं है। हाँ उस, हाँ थोड़ा कैमरा नीचे, हाँ परफेक्ट, तो उसके बारे में तू क्या बोलेगा, इबू के बारे में क्या बोलेगा? नहीं इबू मेरा भले से अच्छा फील्डर है जोड़ीदार रहा है बोल सकते हो, मतलब जैसे कभी ब्रेक मिलता है या कुछ होता है तो हम लोग हमेशा साथ में रहते थे, चाय भी पीना है कुछ खाने भी जाना है, वो अभी जैसे मैं अभी शफीक बोलते हैं लोग मेरे को तो उसको रफीक बोलते हैं, शफीक रफीक की जोड़ी, कि हम लोग का टिकने हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हाँ
मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है एज ए फ्रेंड, क्रिकेट में मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है वो। कुछ भी रहेगा तो हम लोग साथ में ही बाहर निकलते ब्रेक टाइम में, या डिस्कशन भी करना रहेगा साथ में लोग डिस्कशन करते। अच्छा, तो चलो ये बात हो गई। अभी जैसे टिंकू तू देखता है कुरार प्रीमियर लीग होता है ओवरम का, ठीक है, तो हाँ एमबीसीएल होना चाहिए क्या, मलाड बॉक्स क्रिकेट लीग मैच अपने ऑब्वियसली होना कुरार विलेज में? चाहिए। मतलब जैसे अभी जब यंगस्टर लोग हैं प्रेजेंट खेलने वाले, उसमें अब हाँ जूने खिलाड़ी जिसको मैं खुद अभी रिसेंटली जानने लगा, मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन नाम सुन रहा हूँ पता चल रहा है ये वो टाइम के ऐसे, तो उनको भी ऐड करके एक अच्छा साइड बना दिया। और लीग है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वन साइड बना दीजिए, सब में अच्छे अच्छे फील्डर ऐड करके जो यंगस्टर और जिन्हों को मिला के, ऐसा होएगा तो मजा आएगा, ताकि हमको उनका भी गेम देखने मिलेगा अगर जैसा भी रहेगा। अच्छा, तो ये हो गया। अभी चलो रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर मतलब जनता की आवाज, हम बोलेंगे जनता का आवाज, जनता की अदालत। तेरे को जनता की अदालत में खड़ा करता हूँ। तो अभी मैं व्यूवर्स के हैंड ओवर करता हूँ ये पूरा सेशन। तो आप व्यूवर्स अपने सवाल पूछिए। क्या आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है टिंकू के बारे में, शफिक के बारे में, तो आप कमेंट में सामने नीचे। हाँ क्वेश्चन भूलना मत। हाँ तो यही मुझे, मैंने वही बोला कि एक रैपिड फायर ऑफ करेंगे जनता का सवाल। अपनी जो व्यूवर्स है उनके कुछ, अपने टिंकू जो है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ होंगे तो होंगे, तो बताइए। तो अभी मैं अपने अपने एक खास, मेरे मेरे चहेते दोस्त और मेरे मेरे साथ जो सिरसाट बेकर में जो मोती बोलते ना, हम सब मोती है, वो धागा है जिसने हमको बांध के रखा है, विनोद का। विनोद ने लिखा है कि सिरसाट पेकर का सोचा है इस साल, तो तू क्या कमेंट करेगा? तो विनोद में है, लेकिन मैं खुद, मुझे पता है मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा शीर्षार्ट को, इसलिए मैं ज्यादा सामने से प्रॉम्प्ट नहीं करता हूँ कि शीर्षार्ट अगर फिर से बना जाए, फिर से खड़ी की जाए। अगर जिस दिन मेरा आना कंफर्म हो जाएगा मैं नाइट खेलने आऊंगा रेगुलर, तो पहला डे मैं शीर्षार्ट ही बनाऊंगा वापस से, बिना टेंशन मत ले। तो एक दिन बनाएंगे आप फिर से जूनियर शीर्षार्ट, टेंशन मत ले। अच्छा, तो अभी अक्षय काले का एक सवाल है कि विशु को कितने बार तूने आउट किया है? विजु को मैंने बहुत बार आउट किया नो डाउट, लेकिन अपने जब प्रैक्टिस में खेलते थे स्टार्टिंग कंपाउंड में, तो वहाँ उसकी बैटिंग बहुत चलती थी नो डाउट, वह बहुत मारता हम लोग सबको, मारने को अकेले को नहीं, क्या टैप ऑफ प्लस अच्छा पॉइंट था उसको, तो अच्छे अच्छे बॉलर वो अपने ग्राउंड में होम पिच में बहुत मारा है उसने आपस में प्रैक्टिस मैच में बहुत। और अपने लाला ने सवाल किया है स्टार्ट कब से स्टार्ट करेगा रेगुलरली। अब हाँ फिक्स नहीं है ना भाई, ने तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सामने से तुम लोग को बोल दिया भाई स्टार्ट करना है अपने को, लाला बोल रहा है इस साल कोरोना है बस। अच्छा, और तांबे का एक सवाल है, कॉइन बॉलिंग कभी लॉन्च करेगा? नहीं भाई वो प्रैक्टिस में अच्छी है खाली, तांबे है कॉइन बॉलिंग से प्रैक्टिस में अच्छी है वो, टूर्नामेंट में नहीं एकदम कभी एकदम वन साइड मैच जीती हुई रहेगी ना तो डालूंगा एक बार हाँ मैं, कि टेबल 24 चाहिए टेबल 25 चाहिए, शॉर्ट विकेट रहेगा तो डालूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसे, लेकिन लॉन्च नहीं होगी वो। अच्छा, तो एक अपने आदित्य का भी सवाल है, एवन वाले, दादर की टूर्नामेंट में दीपू को पीछे से बोल किया था, वो कैसा है, वो कैसा लगा था जैसे नहीं वो तूने बहुत पहले अच्छा ही जिक्र किया? लगा था, हाँ मुझे खुद नहीं पता था इतना बड़ा बैट्समैन है करके, मैं आउट लेने बाद सब लोग बहुत खुश हुए थे, सबने मुझे बहुत शाबाशी भी दी इसके लिए, वाह 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 दीपू को आउट लिया, दीपू का आउट लिया। और उसके पहले ही मतलब एक मैच हुआ था दीपू भाई, तो उसने उसने स्टैंडिंग बैटिंग किया था, शायद वो मलाड की टीम थी जिसको खड़े खड़े मतलब आराम से खेल के वन साइड मैच जिता दिया था उसने, तो हम लोग सामने अच्छा, मैच हुआ था उसका आउट किया तो ओके ओके। तो अभी टिंकू ये था सब अपने व्यूवर्स का क्वेश्चंस। अब एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है खुद का तेर से। तो सिरसाट पेकर वापिस से रीओपन होगा क्या? जो जूना सिरसाट पेकर था रीओपन जूना होगा क्या, सिक्का का उतना मुश्किल है और क्योंकि उसमें उसमें तो खेलेगा क्या, अगर नाइट ना हो, डे हो, डे हो जैसे डे रहेगा तो ये। मैं आऊंगा। और सिरसाट पेकर में सबको बोलना चाहता हूँ, ये भले लाइव इंटरव्यू हो, मैं विनोद से भी यही बोल रहा था, लाला से भी, जिसने अभी बोला कि कब तू स्टार्ट करेगा, तो तू क्या सोचता है, सिरसाट पेकर चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तुझे क्या लगता है?
मैं तो कमेंट लगा हाँ पक्का, लेकिन वो खुद भी अभी आना बंद कर दिया, नाइट में खेलना, वो भी क्या बोलेगा। विनोद अच्छा, प्लीज कमेंट माय डियर। लाला की बात कर रहे हैं। हाँ अभी कैसे, लाला का भी भाई का इश्यू है, तो वो भी फुल नहीं आपको समझ जिस सकते। मैच में नहीं आ सकता, मैं भी नहीं आ सकता, विनोद भी नहीं आ सकता, और गैना भी अभी फिलहाल दूसरे में कंटिन्यू सिक्स खेल रहा था, आप उसको बोल नहीं सकते। और गैना का भी एक क्लॉज है कि अगर टिंकू रेगुलर आएगा और लाला और टिंकू तो मैं वापस से स्टार्ट करेंगे अपन, बट मेरा तो मुश्किल है, ओके okay. तो होप फॉर द बेस्ट, अगर इन फ्यूचर का भी होएगा ऐसा, मेरा अनरेगुलर होएगा तो मैं डैम श्योर मैं गन्ने को भी लेके आऊंगा, लाला को भी लेके आऊंगा, फिर से शीर्षक स्टार्ट करेंगे एज यूजल जूनी जैसे। और एक लास्ट मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, सिरसठ बिकर वाई कट्टा खेलेगा कि नहीं, कभी भी इन भाई फ्यूचर भी कभी भी? खेलना है सिरसर पकड़ को इकट्ठा मेरा एक दिन। पर्सनल खुद का मेरा एक खुद का पर्सनल दिली इच्छा है कि मैंने विनोद को गए साल भी मैंने बोला था वाई कट्टा मुझे पूरा सिरसठ को लेके खेलना है, जो पुराना उसके लिए सिरसठ एक था साल पहले जिसमें। सेटिंग करना पड़ेगा मैं मनीष अपने को, जैसे अभी इस में खत्म होता है ना, बस उसके एक महीने बाद अपने को सेटिंग करना पड़ेगा, एंट्री एंट्री चाहिए बोल के, और किसी पहचान पहचान तो अपन करा देंगे, इतना तो सेटिंग, इतना तो पहचान है अपना कि अगर एक साल पहले से अपन या 5-6 महीने पहले से उसका सेटिंग करे तो अपने को एंट्री मिल जाएगी वहां पे। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन है लाला का के एक्स्ट्रा डालना कब छोड़ेगा? वो तो जन्म सिद्ध अधिकार ना, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कैसे छोड़ेंगे, वो तो कॉमन है पागल। अच्छा, तो टिंकू मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करने को, बहुत सी जूनी यादें ताजा हो गई, बहुत से बातें अपनी बाहर निकली, अपन फील्ड बाहर भी मिलते रहते हैं, अपनी बात होती रहती है, और ये हमारी छोटी सी गुड़िया हमारे सामने आई है। हाँ, अरे शर्मा रही, अभी सो के उठी है वो। तो उसको मेरी तरफ से हाय बोल देना, और मैं तेरी हेल्थ के लिए दुआ करता हूँ, तू अच्छे से रहे, अच्छा फिट हो जाए, अच्छे से रहे, अच्छे अच्छे काम कर जो तू कर रहा है अभी भी, और अच्छा करेगा ये मैं जानता हूँ, और मैं तुझे पर्सनली तेरी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ जो तेरे पीछे वो खड़ी थी, मेरी एमबीसी की टीम के तरफ से सब भाभी को मैं थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से, पूरी एमबीसी की ठीक टीम के तरफ से, और तुझको कुछ टिप्स देना है नई टीम, अभी है, हाँ तो बोलना। तू और मैं ज्यादा बुड्ढे हुए नहीं है, तो टिप्स क्या देंगे उनको, तू क्या बोलेगा जो अभी अपकमिंग जैसे टीम चालू हुई है, रॉयल मलाड हो गई, IFF चालू हो गई, कुरुक्षेत्र चालू, तो उनको तू क्या बोलेगा नई लड़कों को? एक ही चीज बोलूंगा, अपने टीम कभी नहीं छोड़ना, जितना से अपने में खेलना, और क्रिकेट और पॉलिटिक्स, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लाना, सिंपल। सही बात, सही। ठीक है टिंकू, अपना एक दूसरा इंटरव्यू भी है गमरे बॉयज के, स्वप्निल गमरे का, तो अभी हाँ जैसे ये लॉकडाउन चालू है, ठीक है, ये लॉकडाउन ने पूरे इंडिया को नहीं तो पूरे वर्ल्ड को बांध के रखा है, तो तू क्या राइट। सबको मैसेज देगा ये एमबीसी की तरफ से? नहीं जैसे आज मेरे डॉक्टर से, आज के डेली बात होती थी मैं डॉक्टर से, आज खुद मैं डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने मुझे आधा पौना घंटा समझाया कि बेसिकली कोरोना है क्या और इसको कैसे अपन क्योर कर सकते हैं। बरोबर, सिंपल है, खाओ पियो मस्त रहो और फेस मास्क लगाओ, अगर ग्लव्स आपने यूज नहीं भी किया, नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है फील्ड पे भी, लेकिन फेस मास्क लगा के रखो ताकि दूसरे के इन्फेक्शन तुमको ना लग जाए, सही बात, सही। और कभी अपने आपको मतलब डिप्रेस होने मत दो, खाओ पियो मस्त रहो, और इमोसिन गोली आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उनका दोस्त जी बताया मेरे को कैसे खाना, वैसे वो मार्केट में भी मिल नहीं रही है क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद मिलेगी, डॉक्टर ने बताया मेरे को, लॉकडाउन के बाद वो दवा चालू हो जाएगी फुल फ्लेज में। मेरा पर्सनल व्यू मैं तेरे को बोलना चाहता हूँ, हाइड्रोक्लोरीन बिना डॉक्टर के गाइडेंस के प्रिस्क्रिप्शन लेना के नहीं दोस्तों, बिना कोई भी मेडिसिन आज के वक्त में बिना डॉक्टर के गाइडेंस के लेना नहीं, ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है लोगों को, क्योंकि लोग क्या करते हैं, यूट्यूब हो गया या गूगल हो गया, उस पर सर्च करके खा लेते हैं कि ये ऐसा होगा, पर उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ये लोगों को मालूम नहीं, तो हाँ प्लीज बिना गाइडेंस के डॉक्टर के कोई मेडिसिन खाना नहीं। तू और मैं तांबे हो गया, बहुत से लोग मेडिकल प्रोफेशन में, इसके लिए मैंने ये बात बोली कि प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के सर दर्द की भी गोली हो वो लेना नहीं, मेरा हाँ ये सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वक्त बहुत खराब चल रहा है, तुमको ध्यान देना है अपने शरीर का।
और सबको अपना प्रॉपर ध्यान रखे, फैमिली का ध्यान रखे। तो टिंकू अपने बीच में बहुत सी बातें हुई और एक वक्त आया अपने कुछ दोस्त अपने से छूटते चले गए। जैसे हुआ जैसे अपने साथ में का तुझे और मुझे, जिसने क्रिकेट खेलना, मुझे तो क्रिकेट खेलना जिसने सिखाया वो बिपिन था, और बहुत से यंगस्टरों को उसने प्रमोट किया। तो बिपिन अपने बीच में से चला गया। आज अगर ये इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन उनको बिपिन को फोन लगाएंगे तो तू बिपिन को क्या मैसेज देगा ये इंटरव्यू मैं के जो बोलना दौरान? चाहूंगा वो मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो बोलूंगा भाई वापस आ जा, बट जो हो ओके नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम पे मेरे ओके वो सर रह चुके, मुझे वो पढ़ाते थे विपिन। अच्छा जब मैं 10वीं में था तो मुझे वो ज्योमेट्री अलजेब्रा पढ़ाते थे, स्टिल आई रिमेम्बर। ओके और विक्की के बारे में तू क्या बोलेगा? विक्की को क्या मैसेज देगा? विक्की साथ तू क्रिकेट खेला है, विक्की के बारे में तू क्या बोलेगा? मैं मुझसे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब जहाँ भी है वहाँ पे खुश रहो और हम लोग के लिए दुआ करते रहो वहाँ से, क्योंकि हमें फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत में है। वो तो चलेगा जहाँ मुझे जाने के, तो वहाँ पे खुशी होंगे रेफरी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बुरा चाहा नहीं। विपिन ने भी, विकी बरोबर ने, सबके बरोबर साथ उनका रिलेशन अच्छा ही था, तो अभी फिलहाल खुशी होंगे, जन्नती हुए रहेंगे। तो हम लोग के लिए दुआ करने के लिए होगा कि हम लोग को जल्दी इससे पारी करा, निजात दिला दे कोरोना वायरस से। और रवि भाई के लिए तू क्या मैसेज देगा? जो फ्रेंड्स के रवि भाई थे उनको तू क्या मैसेज देगा? अगर यहाँ से इंटरव्यू के द्वारा तेरे को उनको मैसेज देना है तो क्या मैसेज देगा? उनके लिए भी वही बोलूंगा मैं कि देखो, कुछ जितने भी अपने जो बीच में से गए हैं ना, कोई बुरा आदमी नहीं था, या कभी किसी सही दिल में बात। खोट नहीं था, सब दिल के अच्छे थे। तो डेफिनेटली वो लोग स्वर्ग में गए होंगे, सीधा ऊपर वाले के पास। तो उनकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी होगी। अपने लिए दुआ करने बोलूंगा, जितने आप दुनिया में जो जो लोग परेशान हो रहे हैं ये कोरोना की वजह से, और इवन और भी दिक्कत से, तो उनको बोलूंगा कि उनसे दुआ करें ऊपर वाले से और हमको ठीक कर दे। तो टिंकू थैंक यू सो मच, तूने अपने टाइम बिजी टाइम में से तूने टाइम निकाल के ये इंटरव्यू दिया, और मैं तुझे और सभी एमबीसी की टीम की तरफ से तेरे को गुड हेल्थ की एक वापिस से मैसेज देना चाहूंगा, और सबको बोलना चाहूंगा स्टे सेफ, प्लीज मास्क पहनिए। थोड़ा वक्त खराब चल रहा है तो प्लीज थोड़ा मास्क पहनिए, थोड़ा सा ये बात को सीरियसली लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये मेरा एक होस्ट टीम के तरफ से, मेरी जो पूरी टीम है, ये एमबीसी के बारे में, सॉरी मैं पूछना भूल गया, 2 मिनट में तुझे बोलना है एमबीसी का जो ये मुहिम है वो तुझे कैसा लगा? जैसे नहीं, ये भावेश हो बहुत गया, अच्छा लग रतन हो रहा गया, तांबे हो गया, राजेश पांडे जी हो गए, महेश हो गया, उसमें दीपक दादा हो गया, अभी एक नए बंदे जुड़े, आनंद आनंद मिश्रा, बाद में उसमें और एक जन अभी नया अपना चेतन करके एक बंदा ज्वाइन हुआ है। तो ये टीम के बारे में तू क्या बोलना चाहता है, एमबीसी टीम के बारे मैं। में ये जो? बहुत अच्छा कर रहे, सही बताओ तो। और मेन जो प्लस पॉइंट इसका ये कि अपने जो जूनियर सीनियर लोग थे अपने, वो लोग कनेक्ट हो बरोबर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, और हम तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, बट उनके भी जो जोड़ीदार थे उनके टाइम के, वो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनको आपस में बात करके बहुत दूर पड़ता है मैसेज में, अपने जमाने की बात करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं एक दूसरे की, अच्छा लगता है देख के। एटलीस्ट कुछ बातें उनको यादें ताजा हो जाती है होगी। ओके तो 2 वर्ड तेरे लिए, 2 आदमियों के लिए तेरे लिए मैं पूछूंगा, विनोद सिरसठ के बारे में तू क्या बोलेगा? विनोद सिरसाट के लिए मैं क्या बोलूँ, सिरसाट को खुद पता है मेरी थिंकिंग उसके लिए क्या है। वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रह चुका है, इन फ्यूचर भी रहेगा, और बेस्ट पर्सन भी है। कड़क आदमी, मतलब मेरे लिए बहुत सही आदमी है, बहुत अच्छा है। हाँ, और गणेश के, गन्ने के बारे में तू क्या बोलेगा? गाना का अपना ऐसा फिल्टर है जो सबको कनेक्ट करके रखता है, और सबको मतलब मैनेजिंग उसके अंदर, मैनेजिंग क्वालिटी बहुत है, सबको अच्छे से मैनेज कर लेता है, कोई भी सिचुएशन हो कैसा भी हो। और इवन वो टीम के लिए करता भी है, नो डाउट कि सिर्फ मैनेज करता, खाली फोन करना वगैरह, और टीम में कोई दिक्कत आती भी, किसी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी रहती है, वो उसमें भी आके सपोर्ट करता है उसको। इवन उसको भी, वो भी अच्छा, ही इज अ गुड मैनेजर। देना थैंक यू टिंकू, वापिस से मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ, और तूने टाइम में टाइम निकाला। तो भावेश का एक मैसेज है IFFK, बॉलिंग टिप्स चाहिए उसको, तो बॉलिंग टिप्स तू क्या देगा? बॉलिंग टिप्स ये है भावेश, कि टिप्स देके अगर बनना होता ना, तो
बहुत से लोग बॉलर बन गए थे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। खुद अब तुम अगर नहीं सोचोगे कि मुझे करना है, खुद नहीं डालोगे वो चीज, तो मुश्किल है। खुद से सोच के आपको करना पड़ेगा वो, तो ही वो सक्सेस होएगा। ओके तो थैंक यू टिंकू, तूने टाइम में टाइम दिया। और दोस्तों ये थे हमारे दोस्त टिंकू, शफीक शेख, शफीक भाई, प्यार से टिंकू बोलते हैं।